हेलो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, 2:05 पे अपन क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक और लोग आ जाते हैं, दो चार, और कुछ ऑनलाइन भी जुड़ जाते हैं। 2:05, 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। हाँ, मैं हाँ,
हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून पलक, रजनी, श्वेता, गौरव, अमन, पवन, सरिगा, सबको। ठीक है, तो आज आज अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एनवायरनमेंट। और अभी तक जैसे अपन ने पॉलिटी किया था तो सेम तरीके से चलेंगे अपन। अब इसमें दो चीजें हैं, जैसे एक तो HCS के हिसाब से, ठीक है, एक UPSC के हिसाब से। सिंपल टर्म्स में एक तो चीज आपको ये देखनी है कि एनवायरनमेंट यूपीएससी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना फॉरेस्ट का एग्जाम इसके साथ रहता है। ऑनलाइन आवाज ठीक आ रही है ना सबको, तो उस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली बढ़ जाती है। बट अगर अपन HCS में देखेंगे तो उतने सवाल नहीं आएंगे, 5-6 सवाल आपके आ सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल सिंपल से, साइंस से ही रिलेट करते हुए, ठीक है। या फिर करंट में कोई भी आपकी इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई ट्रीटी कन्वेंशन हुई है, उससे रिलेटेड हमारे सवाल आ सकते हैं। तो करंट का थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने रखेंगे, बट स्टैटिक, क्योंकि HCS है तो स्टैटिक की पोर्शन जनरली ज्यादा पूछी जाती है। फैक्चुअल एक डाउट और बार बार अपने दिमाग में आ रहा है कि HCS में अभी क्या है कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आया है, सिलेबस हमारा यूपीएससी का यूं का यूं उन्होंने कॉपी कर दिया है मेंस का, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में ये आ रही है कि भाई अगर प्री भी क्या उस तरीके का होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों में कोई भी चीज श्योर तरीके से कहना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अपना जो वैसे ही ओरिएंटेशन चल रहा है शुरू से ही, एक तो होता है सिलेबस। हम जितना भी सिलेबस कवर अप कर रहे हैं वो यूपीएससी जितना ही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम इतने कैपेबल रहेंगे कि हम उन सवालों को कर पाए। ओनली थिंग इज अगर डीपली पूछा जाए, जैसे या तो सवाल फैक्चुअल होगा वन लाइनर, या एक ही चीज की तीन चीजें पूछ ली जाएंगी आपसे मल्टीपल चॉइस देके कि भाई 1 2 3, 1 2 4, ठीक है। तो इसमें जो अपन प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो अपनी सीरीज है उससे अपन इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो टेस्ट सीरीज अपनी है वो फैक्चुअल ही बनाई गई है सारी, HCS को ध्यान में रखते हुए, तो दोनों की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिनमें जो करंट में स्पेसिफिकली जहां डीप जाने की आवश्यकता है वो मैं अपने आप बता दूं कि भाई इसमें ये चार चीजें याद करनी है, इसमें ये दो तीन चीजें याद करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपन शुरू से मेंटली प्रिपेयर ये रहना है कि अगर कुछ सवाल यूपीएससी जैसे आते हैं तो वहां हमारे लिए एक चीज बिल्कुल नई ना हो कि यार मल्टीपल चॉइस तो अपन ने देखे नहीं, हम तो ये सोचते थे HCS में सिर्फ सिंगल ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। आसपास के स्टेट्स के जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, गुड आफ्टरनून गुलशन मीनू, तो जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, चाहे यूपी हो, उसका भी ओरिएंटेशन थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जा रहा है। पंजाब का तो पूरा का पूरा पेपर ही यूपीएससी की ही लाइंस पे आया है काफी हद तक। तो एक थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर ये होना है, पर इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल क्योंकि सेट करने वाले हरियाणा के ही होंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि यूपीएससी में सेट करने वाले कौन होते हैं, वो माई बाप होते हैं सबके, ठीक है। वहां पे एक एक सवाल बहुत सोच समझ के सेट किया जाता है, हार्डली किसी एक आधे सवाल में करेक्शन मिलता है सालों में। कोई सवाल यूपीएससी ऐसे नहीं लिख के देता कि इसमें ये करेक्शन हो गया है, कभी एक दो, कभी 3-4 साल में एक आधे सवाल में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता ही रहता है, बट देन अगेन थोड़ा सा लेवल यूपीएससी की तरफ रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और अपनी क्लासेस का भी वही है, और जो दो चार, अब एक चीज और, जैसे TIT सीरीज अपना मेंस का चल रहा था, ठीक है, और NCERT चल रही थी, तो अब डिपेंडिंग, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आ गया है, तो एक चीज तो श्योर है मई जून उसमें लिखा हुआ है, और मेरी मतलब मेरे को शुरू से ही मई जून ही था, जब भी मेरे से कोई पूछता था मैं मई जून ही बोलता था, कई मार्च मूर्च में रहते थे, बट मुझे यही लगता था क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये ऐसे ही चलता है। बट अब जब मई जून आया है और अगस्त लिखा हुआ है मेंस के लिए, एक चीज है कि ये लोग अगस्त यूपीएससी मेंस से पहले HCS मेंस कराना चाहते हैं, ये चीज श्योर है, जो लास्ट टाइम हुआ था, तो ये चीज मान के चलो कि मेंस अगस्त या सितंबर में होगा ही होगा, अगर ये होगा तो मई जून, गुड आफ्टरनून, तो अगर ये होगा तो मई जून में आपका पेपर
पेपर होने की भी संभावनाएं हैं। और अपन जो टारगेट रख रहे हैं अभी तक का, वो क्या रख रहे हैं, 10 मई, 10 मई रख रहे हैं सिलेबस को क्लासरूम में कंप्लीट करने का। 31 मई मेरे हिसाब से टेंटेटिव डेट, इसके हिसाब से मैंने सारी चीजें प्लान करी हैं बैच के लिए कि 31 मई को अगर पेपर होता है तो वी हैव टू बी रेडी कि भाई जी हमारा पेपर ले लो। रिविजन जो अपन जितने भी लाइव क्लासेस अब होंगी किस हिसाब से होंगी, प्री के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे सुबह जो अपना प्रीवियस ईयर पेपर वाला है चाय पे पर्चा, तो चाय लेके बैठेंगे, जो चाय पीते हैं कॉफी जो पीते हैं वो कॉफी लेके बैठेंगे, 1.5 से 2 घंटे वीकली 2 दिन, और कब कब, ट्यूसडे TOT, ट्यूसडे और थर्सडे। बाकी के 3 दिन अपना न्यूज़पेपर वाली सीरीज चलती रहेगी, किसी दिन 1 दिन का, किसी दिन 2 दिन का, उसमें से दो दो एक एक टॉपिक अपन मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी अपन करेंगे, ठीक है। पर यहाँ सारा पूरा का पूरा प्री ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। इवनिंग 8:30 to 10 वाली जो अपनी सीरीज थी वो NCERTs और TIT सस्पेंडेड कर दी गई है। अब उसकी जगह, हेलो मैम, इसकी जगह अब अरियन सॉरी लूसेंट जी के, ठीक है, तो लूसेंट जी के पेज वाइज ट्रिक्स के साथ, ठीक है, तो मोस्टली मैं ही लूंगा कि भाई किस चीज को कैसे याद रखना है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, क्योंकि अपना कुछ बचना नहीं चाहिए फैक्ट के हिसाब से। अपन क्लासरूम में कर रहे हैं वो एटलीस्ट 80% चीजों को कवर कर लेगा, बट जो 10 to 15% चीजें जो एक्स्ट्रा कवर अप करने की जरूरत है वो लूसेंट से कवर हो जाएगी। कुछ फैक्ट जो डायरेक्ट फैक्ट होते हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए ये सोर्स ऐड किया गया। प्लस इसमें जो भी मेरे लास्ट ईयर के फैक्चुअल नोट्स हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री के, और पॉलिटी का होगा तो पॉलिटी के, इकोनॉमी का होगा तो इकोनॉमी के। तो ऑन एन एवरेज हमारी ट्राई यही रहेगी, चाहे फैक्चुअल सवाल आए या फिर एनालिटिकल थोड़ा सा डीप में भी पूछे, तो हम एटलीस्ट हर चीज के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो बस आपका काम क्या है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहो, जो भी टाइम मिलता है, लाइव का टाइम मिलता है तो लाइव ही अटेंड करनी है, और अगर नहीं मिलता है तो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल है ये तो, और अपनी ये वाली ऐप पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इनमें आप जब भी चाहो, तो एक जो दूसरी चीज है, लिंक जो प्रोवाइड किया जाएगा बैच में, लिंक अपने सेव करते हुए चलने हैं एक फोल्डर में, डेट वाइज, डेट दिस लेक्चर, हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री एनवायरमेंट जो भी, लिंक सेव करते हुए चलोगे तो जो ऑप्शन है कि यूट्यूब पे डायरेक्ट आप उस लेक्चर को ओपन कर सकते हो, क्योंकि क्लासरूम के लेक्चर सारे अनलिस्टेड रहेंगे, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को डायरेक्ट ओपन करके 1.5 या 2 में रिवाइज करना है तो वो एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। मैं भी ट्राई करूंगा कि ये लिस्ट मैं बना लूं, बट अपने हिसाब से एक बना लो, ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा बना के, अपन एक शेयर कर देंगे सबके लिए, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्लासरूम के रिविजन का हो गया, और जो अपनी पब्लिक क्लासेस चलती हैं वो तो ये रहेंगी, दो तीन दो क्लासेस तो डेली बेसिस पे, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग, ये 5 डेज रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, तो ये जनरल हो गया। और एक चीज और, जैसे आज अभिषेक भी कह रहा था, थोड़ा सा कभी कभी अपने को ऊपर नीचे फील होता है कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पॉजिटिव। उसके पीछे रीजन, रैशनल थिंकिंग के हिसाब से रीजन, हम बहुत ही टारगेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जितना पढ़ा जा रहा है वो एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा जा रहा है, इधर उधर का हाथ पैर नहीं मारना कि भाई चार लोगों में खड़े होकर अपने को बात करनी नहीं करनी, ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हम उसी हिसाब से ही चलेंगे। तो हमें जो चार चीजें पढ़ाई जा रही वो मुझे पता होना चाहिए, अगर पांचवी नहीं भी पता है तो नहीं पता है, क्योंकि नॉलेज जितनी टेस्ट होती है, प्री में एक अलग तरीके से, मेंस में एक अलग तरीके से, ठीक है, एक ओवरऑल हर सब्जेक्ट का अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग अपनी हो जाएगी। पर कुछ बच्चों का ये रहता है कि हर इशू के डीप में जा जाके उसकी 10 चीजें पढ़ ली, 20 चीजें पढ़ ली, देखो उतना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट हवा हुआ बनानी हो तब एक दूसरी बात है कि मेरे को ये भी पता है, मेरे को वो भी पता है, क्योंकि आई नो मेरे साथ के भी बहुत सारे जो दोस्त भी रहते थे वो अच्छे, दिमाग भी अच्छा होता था, पढ़ते भी खूब अच्छा थे, खूब डीप नॉलेज भी होती थी, बट प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाता था, ठीक है। तो और मेरा प्री का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेंस का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है,
उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी जो अप्रोच रहेगी वो लगभग मेंस प्री दोनों को ही सफिशियंटली कवर कर लेगी। ठीक है, तो अपने बस पढ़ाई करते रहो, बीच में कभी कुछ लगता है आपस में बात करो, मेरे से बात करो, या क्लास में ही मुद्दा उठाया जाए कि जी हाँ प्रॉब्लम हो रही है। सारे साथ हैं, 3 महीने तक बिल्कुल खींच के साथ रहेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज इतनी जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए एग्जाम अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे लिए एकेडमी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये एकेडमी शुरू करी थी तो मैंने इसलिए नहीं करी थी कि मुझे दोबारा पेपर लिखना है, मैंने इसलिए करी थी कि मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों के ही वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं, तो सबको मिलके अच्छे से मेहनत करनी है। एंड लाइब्रेरी वाली चीज, आज कैमरे वाला काम हो गया है, मतलब उसको बोल दिया गया है कल तक कैमरे लग जाएंगे, उसके बाद क्लास वालों को मैंने बोल दिया था एक ही प्लेस रहेगा चाबी का, अपने आओ पढ़ो जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, और एक रूम में स्पेशली गर्ल्स के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, जो सबसे बड़ा रूम है उसमें लड़कियां आके पढ़ सकती हैं, और बाकी रूम्स में, मतलब जो बाकी 2 रूम लाइब्रेरी के रहेंगे उनमें सीसीटीवी नहीं है, बट हॉल में रहेगा जनरल, उसके लिए एक ही रूम में कैमरा लगाया गया जस्ट फॉर सेफ्टी। ठीक है, चलो रजनी, आपके प्री में कितने मार्क थे और कट ऑफ कितनी थी? HCS में मेरे प्री में ना 130 ही थे और कट ऑफ भी 130 ही थी, तो और UPSC में मेरा अलग सीन रहा है, बट HCS में मैं बिल्कुल कट ऑफ पे था, मतलब मेरे 131 के आसपास बन रहे थे, 65 66 ये नंबर थे मेरे, 65 GS में और 66 के आसपास CSET में, दोनों में बराबर थे। ठीक है, ये पता नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस ऐसा ही था, मतलब 130 131 मेरे नंबर बन रहे थे और इतनी कट ऑफ थी। ठीक है, अब शुरू करें, चलो आज अपन एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। देखो एनवायरनमेंट सिंपल टर्म्स में, मतलब मैम इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया कि हिंदी की टर्म्स को मैं ऐड कर पाऊँ। ठीक है, तो जो कल अपनी क्लास रहेगी ना उसमें जो आने वाले रहेंगे, अभी तक वैसे इतनी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं आई है, कुछ हैं उनको मैं वैसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना। बाकी कल से जो भी पर्टिकुलर टर्म्स रहेंगी हिंदी वाली, मैं ट्राई करूंगा ऐड करने की। आपके पास बुक है कोई एनवायरनमेंट की? कोई बुक नहीं ली है, तो एनवायरनमेंट की वैसे अपने ने स्टैंडर्ड सोर्स तो रखा है शंकर IAS। ठीक है, और यही एक बुक पढ़नी है, और क्लास में भी अपन इसी से ही कवर करेंगे, नोट्स प्लस नोट्स भी इसी के ही हैं, और जो करंट अफेयर रहेगा जैसे मैंने बताया स्टैटिक से काफ़ी पोर्शन आता भी है, HCS में ज़्यादा आएगा, UPSC में करंट से ज़्यादा आता है, स्टैटिक से कम आता है। ठीक है, जबकि HCS में उल्टा रहता है। तो अब अपन शुरू करते हैं, देखो एनवायरनमेंट, अब इसमें अपन क्या क्या करेंगे, अब ये बुक है तो पहली चीज़ तो एक ब्रॉड ओवरव्यू हमारे दिमाग में रहना चाहिए हर चीज़ का शुरू करने से पहले। जैसा मैंने बताया कि मेंस का एक अच्छी तैयारी के बाद जिसको सिलेबस अच्छे से रटा हुआ है, कीवर्ड्स जो अच्छे से यूज कर सकता है वो मेंस कर सकता है, ऐसे ही अपने दिमाग में चीजों को याद करने के लिए एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अब जैसे एनवायरनमेंट तो नॉर्मल अपने को पता है कि भाई हमारे आसपास का सराउंडिंग, ठीक है आप लोग बैठे हुए तो आप भी मेरे एनवायरनमेंट में आओगे, ये हवा भी आएगी, ये कैमरा भी आएगा और ये वाईफाई भी आएगा जो हमने यहाँ पे लगवा रखा है, आज की डेट में सब चीजें वो आपका एनवायरनमेंट बन जाती है। इसमें अपन जैसे चीजों को सिंपल और ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी होता है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर ही चलेंगे, कुछ चैप्टर जो स्किप करने होंगे वो अपन कर देंगे, कुछ इस वजह से कि भाई ज्योग्राफी में कर रहे हैं, कुछ इस वजह से कि वो करंट के हिसाब से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट में ही वो चीजें ली जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए भी। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन इकोलॉजी पढ़ेंगे कि इकोलॉजी हिस्ट्री में इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ है क्या, उसके एनवायरमेंट के कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, फिर एनवायरमेंट है तो उसके अलग अलग फंक्शंस क्या है। ठीक है, फंक्शंस हैं तो अपने पास जैसे अपन टेरिटोरियल बोलते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल जमीन वाला जो एनवायरमेंट है अपन उसको देखेंगे, क्या क्या उसमें फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, फिर एक्वाटिक पानी में क्या क्या चीजें हैं, अपने पास अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो, क्या फंक्शन कर रहे हैं, कुछ अडेप्टेशंस पानी वालों में अलग होती हैं, डेजर्ट वालों में अलग होती हैं, उस टाइप से अपने को देखना है। ठीक है, फिर इनको
बचाने बचाने के लिए कुछ ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज इट, तो ये हमें डायरेक्टली पता भी होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन देखेंगे इसमें। फिर अब एनवायरनमेंट है, तो आदमी रहेगा तो वो पोल्यूट भी करेगा, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे पोल्यूट कर सकता है, कैसे पोल्यूट करता है, इनसे रिलेटेड इंडिया में क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। फिर जब अपन बात करते हैं एनर्जी पोल्यूशन में, रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, ये नया चैप्टर इनमें ऐड किया गया है कि भाई रिन्यू थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से आप पोल्यूशन करते हो तो उसको कैसे बचाया भी जा सकता है। ठीक है, जैसे अपन फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, बट रिन्यूएबल यूज करोगे तो वो नहीं होगा, तो ये एक अपना रहेगा। फिर मेजर इश्यूज क्या हैं, जैसे सैंड माइनिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर कुछ भी जीएम क्रॉप्स अपन यूज करते हैं उस हिसाब से। फिर एक टर्म होती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हेलो मैम, कि भाई सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो तो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको असेस करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट असेस करे, कोई भी करे, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट सेंटर देखता है, कुछ स्टेट देखता है, तो ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसी में ही सारी चीजें आती है, तभी हमें पता चलेगा कि मतलब एक मुद्दा जो चलता है ना कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है या फिर एनवायरनमेंट को बचाना, तो उस कंटेक्स्ट में हमारा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एनवायरनमेंट है तो उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी होगी, प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के होंगे और एनिमल्स भी, तो वो डाइवर्सिटी कैसे कैसी होती है, इंडिया में कैसी पाई जाती है, एनिमल्स की अलग और प्लांट्स की अलग। इनमें से एनिमल और इनमें जो ज्यादा मेन क्वेश्चन बनते हैं कि भाई IUCN स्टेटस क्या है उसका, एक वो किस जगह पाया जाता है, और ये करंट के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो ये मेन चीजें अपन करंट में ज्यादा देखेंगे। फिर ओशियन में कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो अपन देखेंगे। फिर ऐसे ही हमने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एरियाज बना रखे हैं, नेशनल पार्क अपन ने सुना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम सुनते हैं, बायोस्फेयर रिजर्व अपन सुनते हैं, तो उनके क्या क्या काम हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, तो वो सब अपन देखेंगे। फिर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, वल्चर, ये सब चलाए गए, कब चलाए गए, अब हरियाणा में सवाल आएगा कौन से सन में बने थे, ठीक है, यूपीएससी में आएगा कि उसके अंदर है क्या, तो ये एक डिफरेंस रहता है। फिर जो आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, क्लाइमेट बदलता क्यों है, क्या उसके पीछे कारण है, उससे क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे उसको रोका जा सकता है। आपको दिख रहा है सारा बोर्ड, यहाँ भी इधर आ जाओ, यहाँ कोने में क्यों बैठे हो। क्लाइमेट चेंज क्या है, जैसे ओशन में CO2 बढ़ जाती है तो एसिडिफिकेशन हम उसको बोलते हैं, ऐसे ही ओजोन जो डिप्लीट होती है, बार बार सुनते हैं ओजोन होल, ओजोन डेंट, ठीक है, हम AC जो यूज करते हैं उनकी वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह अपने निकलते हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है। फिर इनको रोकने की, मिटिगेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव कर रहा है, तो ये अपने को देखना। ये वैसे अपन करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अपन करंट में इसको ज्यादातर लेके चलेंगे, क्योंकि स्कीम्स पूछी जाती है, पर्टिकुलर स्कीम उसका काम क्या है, बस पर्टिकुलर स्कीम किस मिनिस्ट्री में है, तो एक गवर्नमेंट स्कीम अपना एक अलग ही रहेगा करंट अफेयर में सेक्शंस, तो उसमें एनवायरमेंट वाली भी कवर रहेंगी, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करें, उस टाइम पे पहले क्या था, अभी क्या है, ये सारा अपन देखेंगे। फिर दो मिसलेनियस से चैप्टर हैं कि एग्रीकल्चर इन जनरल, उससे रिलेटेड एक चैप्टर एनवायरमेंट में दिया गया है। एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर एक कंबाइंड टॉपिक रहता है, ठीक है, कि भाई अपन फार्मिंग करते हैं तो उसके मतलब अलग अलग क्या तरीके हैं, सोयल इरोजन किस तरीके से होता है, तो इस हिसाब से, और कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है, कौन सी एक्ट और पॉलिसीज इंडिया में आज के टाइम पे गवर्न कर रही हैं एनवायरनमेंट को, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वो अपने को देखने हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस, और लास्ट में अपना रहता है मतलब हेल्थ पे जो इफेक्ट रहता है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल है, ये वाला जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, HCS के हिसाब से तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है बट काफी चीजें पूछी जाएंगी। योगेश, गुड आफ्टरनून, प्रणाम।
ठीक है, तो अब अपन ये एक ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आया, फास्ट हो रहेगा, ब्रीफ ओवरव्यू था इसलिए फास्ट रहेगा। अब अपन आराम आराम से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। और पहला हमेशा आराम से समझने का होता है कि भाई, और पहला मैंने इसीलिए इससे ले लिया डायरेक्टली बुक से ही, कि शुरू के 4-5 चैप्टर जो सबसे बेसिक चैप्टर है ना, उसमें कुछ छूटे नहीं, सारी चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद अपन इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे फिर, क्योंकि समझाने वाली सारी चीजें यही रहती हैं। कितने पेपर? देखो अब क्या है, बेसिकली यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पे होना चाहिए, ये मेरे लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली जैसे इकोलॉजी, ये ओइकोज एक टर्म रहती है कि घर, हम जहाँ पे रहते हैं उसको अपन घर बोलते हैं, तो उसकी जो स्टडी है, लॉजी मतलब तो स्टडी से ही रहता है, ठीक है? तो उसके बारे में जितना भी पढ़ा जाता है वो सारा का सारा अपना क्या आ जाएगा, एनवायरमेंट में, ठीक है? अब जैसे हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट के बारे में हमने अभी से ही पढ़ना शुरू किया। हमारे पुराने जैसे मेडिसिन, आयुर्वेदा जब डेवलप हुई तो उन्होंने भी एनवायरनमेंट को देखा होगा ना, कि भाई चल क्या रहा है, आदमी बीमार क्यों पड़ रहा है, या फिर हमारे आसपास के कौन से ऐसे पौधे हैं जो काम में आ सकते हैं। तो जो हमारी चरक संहिता है या फिर ये आयुर्वेदा होगी, ठीक है, तो इन सब में भी इनकी बातें करी गई थी। ऐसा नहीं है कि इट इज अ न्यू थिंग, ठीक है? तो हिस्टोरिकल भी अपने को बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे सर्जिकल अपना टेक्स्ट था सुश्रुत संहिता, उसमें भी अपने को एनवायरनमेंट के बारे में मिला, ठीक है? तो ये सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, ये वैसे मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है इनका, बस वैसे ही कि हाँ जी हमें पहले भी एविडेंसेस मिले थे। अब वास्तव में अब एनवायरनमेंट क्या है, अब नॉर्मली सोचो, एक तो लिविंग थिंग्स जो इस एनवायरनमेंट में रहती हैं वो आएंगी, एक नॉन लिविंग। अब लिविंग थिंग्स में आप, मैं, पेड़ पौधे, पहले तो हमें लगता था कि जो पौधे होते हैं वो भी नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे साइंस डेवलप होती जाती है वैसे वैसे नई चीजें आती हैं, तो आपके और सारे जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो तो वो लिविंग में अपने आ जाएंगे, ठीक है? और चाहे वो मैरीन इकोसिस्टम में हो, चाहे लैंड में हो, चाहे पानी वाले इकोसिस्टम में हो, तो ये सारे आ जाएंगे। नॉन लिविंग की अगर अपन बात करें तो कुछ भी, चेयर, फ्लोर, एयर, अपन हवा अंदर लेते हैं, ठीक है? अब उसी हवा से, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो हमें जो भी फूड खाए, फूड को करके जो भी है डाइजेस्ट किया, एनर्जी मिली, एनर्जी से काम तो हम कर रहे हैं, बट वो नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन भी नॉन लिविंग, फूड भी, क्योंकि तब तक तो वो कट चुका है तो वो भी नॉन लिविंग है, बट वो दोनों चीजें हमें एनर्जी दे रही है। तो वो ऐसे सारी की सारी चीजें मिलके हमारा एनवायरनमेंट, चाहे देखो अंदर एक बॉडी है इंडिविजुअल की, तो उसके अंदर भी एक एनवायरनमेंट चल रहा है, बाहर भी एक एनवायरनमेंट चल रहा है। अंदर वाला तो उस बॉडी की मतलब उसको इंटैक्ट रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर नहीं निकल जाए। जैसे अपन कई मूवीज में देखते हैं, एक मूवी थी लूसी, ठीक है, उसमें वो एक उन्होंने कुछ ड्रग्स ही बना रखी थी, वो उसको लेती है, उसका दिमाग इतना काम करने लग जाता है तो उसके कभी कुछ बाहर निकल रहा है, कभी कुछ बाहर निकल रहा है। बेसिकली मतलब वो यूनिवर्स में ही मिल गई लास्ट में जाके, और यही हमारी रियलिटी होती है कि भाई आप सोते हो, उठते हो, जागते हो, ठीक है, 50, 60, 70, आखिरी में राख हो जाता है आदमी। वो राख क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो चलो उसको राख बनाने में काम आ रही है, तो यही मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब हम इस लेवल के डेवलप्ड मॉलिक्यूल हो गए कि भाई मैं यहाँ खड़ा होकर माइक लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कान, कान में जो पर्दा है, पर्दे पे वो जा रही है, तब आपको लग रहा है कि हाँ इसका मीनिंग बन रहा है। तो बेसिकली तो सारी चीजें, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, एक लेवल पे कनेक्टेड है, वही आपका सारा सिस्टम है, लिविंग सिस्टम, नॉन लिविंग सिस्टम, और यही हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है? और अब हेल्दी एनवायरनमेंट क्या होता है, बॉडी के अंदर जब सब कुछ हेल्दी जाएगा तो वो हेल्दी एनवायरनमेंट है,
जब आप गलत चीजें डालने लग जाओगे तो अनहेल्दी चीजें हो जाती है। सेम वे में अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लोग अच्छे हैं, तो थॉट प्रोसेस भी ठीक चल रहा है, ठीक है, ज्यादा भड़क भी नहीं हो रही। बट सामने वाले का ही नहीं समझ में आ रहा, चार बातें वो बोल के चला जाता है, चार बातें दूसरा बोल के चला जाता है, तो वैसे भी दिमाग खराब रहता है। तो बेसिकली आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी आपके हेल्दी बीइंग में डिसाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारे मोटे मोटे, जैसे अब इसमें एबायोटिक में अब एनर्जी जो हमने फूड से ली थी, ठीक है, आसपास का टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीजें हमारी एबायोटिक में आ जाएंगी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ग्रेविटी, सोयल, जिससे आपका निकल रहा है, सोयल से पौधा निकला, पौधा तो लिविंग हो गया। तो प्लांट्स, अब ग्रीन, नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन वो होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ग्रीन वो होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, मोस्टली। अच्छा, ग्रीन पिगमेंट किस कंपोनेंट की वजह से होता है प्लांट्स में? ये जैसे साइंस और ये थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे ना उसी हिसाब से अपने देखने। तो ग्रीन किसकी वजह से है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाए? मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम ध्यान रखना है। तो डिकम्पोजर्स जो पैरा मतलब बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, कभी खाना बाहर छोड़ देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस पर व्हाइट व्हाइट कलर की फंगस भी लग जाती है, सर्दियों में तो खासकर, ठीक है। क्लोरोफिल, यस, यू आर राइट। परमजीत, हिंदी प्रिपरेशन के लिए भी कुछ करो। सर अभी हमारे पास इंग्लिश ही है, पढ़ाते तो हिंदी इंग्लिश मिला के ही हैं, बट नोट्स और टेस्ट सीरीज सारे इंग्लिश में ही रहेगी। फिर पैरासाइट, इसको अपन डिटेल में देखेंगे कि पैरासाइट क्या होता है। अभी के लिए मतलब कोई भी चीज, मतलब पैरासाइट वो होता है जो किसी पे डिपेंड होता है, हाँ, परजीवी, ठीक है। सिम्बायोसिस, मैम अगर आपकी हिंदी ठीक है ना इन सब में तो आप बताते हुए चलना, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, जो भी आपको पता है ना आप बता देना प्लीज, ठीक है। सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होता है कि सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों को फायदा, जैसे दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे, सहजीवी, सहजीवी, परजीवी, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल्स, पशु, ठीक है, तो ये सारे अपने मैन, पशु, ठीक है, सोशल एनिमल, सामाजिक पशु। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ फिश, जैसे मैंने अभी अपना खुद का एग्जाम्पल देके बताया, अंदर भी हेल्दी होना चाहिए, बाहर भी हेल्दी होना चाहिए, वैसे इन्होंने ये एक डिस्कस किया और कुछ नहीं है। बात यह है कि आप बने किससे हो? एबायोटिक्स से, वही मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेसिक मॉलिक्यूल्स, वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स को भी बना रहे हैं, वो लिविंग को भी बना रहे हैं, ठीक है। बट फर्क कहाँ आ जाता है? इंटरेक्शन में। जैसे शुरू में जब लाइफ डेवलप होनी शुरू हुई तो ऐसा ही बोलते हैं, नॉन लिविंग से ही लाइफ आई है। वायरस को बोला जाता है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, क्योंकि वो मरता ही नहीं, उसमें जब तक वो किसी दूसरे के अंदर जाता है तब काम करने लगता है, बहुत सालों तक स्टैग्नेंट भी पड़ा रहता है, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स काम ही नहीं करते। बट जब वो हिलने लग गए, और वो हिलना जब थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, तो एक अलग तरीके का इंटरेक्शन शुरू हो गया। अब इसको नॉन लिविंग हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज जहां पे है वही है, इंटरेक्ट ही नहीं करी। अपन खुद को लिविंग कब समझते हैं? आदमी मोबाइल है, बात कर रहा है, बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, ठीक है, तो उनसे ये लगता है कि हाँ ये जीवित है। पेड़ों को पहले क्यों नहीं समझते थे? क्या हुआ? पेड़ों को पहले क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि वो एक ही जगह रहते थे, ठीक है, बाद में लोगों ने बात, अब पेड़ों के तो नीचे, जैसे अभी अभी रिसेंट डिस्कवरीज होती हैं, रूट्स, बहुत सारे पेड़ों के तो रूट्स आपस में कनेक्टेड होकर कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। अब जो बंदर हैं, बंदर वो एक दूसरे के डेरे से नहीं निकालते रहते हैं, वो एक्चुअली में डेरे नहीं निकालते, वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है उनका, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल बॉन्डिंग उससे उनकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सारी चीजों को देखने के नजरिए बदल जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारा का सारा वही है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी अपना हो जाएगा। अब हम बनाते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी।
तो अब जैसे सिंपली मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं क्या हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है? मैं एक इंडिविजुअल हूं ना, अभिषेक एक इंडिविजुअल है, ठीक है, सुमन एक इंडिविजुअल है, सब एक 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 इंडिविजुअल। बट जब सारे के सारे आपस में एक साथ आते हैं, मतलब हम सारे यहां पे हैं, या फिर चरखी दादरी में मान लो, या इंडिया में मान लो, वो हमारी क्या हो जाती है, या फिर अभी माने तो पॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो चलो वैसे ही डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल आके पॉपुलेशन। अब एक स्पीशीज के होने चाहिए, पॉपुलेशन हमेशा एक स्पीशीज की बोली जाएगी। अब हम यहाँ पे गधों को लाके ये नहीं कह सकते वी आर पार्ट ऑफ अ सेम पॉपुलेशन, वो एक डिफरेंट हो जाएगा। गधों की अपनी एक अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, और घोड़ों की एक अलग है, शेरों की अलग है, क्या बनना है वो डिसाइड करना है, इंसान नहीं बनना। तो उस हिसाब से अब ये हो गया पॉपुलेशन। अब यही पॉपुलेशन आपस में क्या करेगी, आदमी अकेला तो नहीं रह सकता, ठीक है, आपस में भी रहेंगे, और मतलब लेन देन भी होगा, तो एक इंटरेक्शन होता है जिसको हम बोलेंगे कि कम्युनिटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से क्या बनेगा, इंडिविजुअल से आपका बनेगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि सेम स्पीशीज ही पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ना कि डिफरेंट स्पीशीज। पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन कम्युनिटी, कैसे, गाय भैंस भी हमारे काम आ रही है, पौधे पेड़ भी काम आ रहे हैं, उनकी भी अपनी पॉपुलेशन कहलाएगी, पौधों की भी, ठीक है। तो उस हिसाब से जनरली तो हम एनिमल्स के कंटेक्स में ही बात करते हैं, ठीक है, फोना के कंटेक्स में, फ्लोरा और फोना, फ्लोरा इज प्लांट, फोना इज एनिमल्स, ठीक है, पेड़ पौधों को अपन उतना नहीं बोलते, बट फिर भी समझने के हिसाब से पशुओं के बारे में ही बात करी जाती। तो जैसे हमारे पास गाय भैंस भी है, तो वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो गए, वो सारी की सारी चीजें अलग अलग स्पीशीज साथ में आके एक कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की आपकी कम्युनिटीज रहती हैं, मेजर और माइनर। देखो सिंपल नाम से ही पता चलेगा, मेजर मतलब बड़ी। अब वो दो तरीके से बड़ी हो सकती है, साइज में भी बड़ी हो सकती है, नंबर में भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो साइज और नंबर को तो एक ही लेके चलो, जनरली नंबर के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई मेजर कम्युनिटी नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो नंबर जिसके ज्यादा होंगे वो हो जाएगी मेजर, कम होंगे वो कम। सेकंड चीज इसमें होती है रिलेटिव इंडिपेंडेंस। रिलेटिव इंडिपेंडेंस क्या होएगा कि मैं बिना किसी के मदद के सरवाइव कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कॉमन सेंस क्या बोलेगी, जो आदमी केजीएफ देखिए, केजीएफ में वन मैन आर्मी, जो आदमी अकेला चल सकता है वो मेजर हो गया या नहीं हो गया, वो माइनर तो नहीं कहलाएगा। और जो आदमी उसको 10 लोगों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो वो कम्युनिटी कौन सी रहेगी आपकी, माइनर कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी अपने कितने टाइप की हो जाएंगी, दो टाइप की, मेजर और माइनर, ठीक है। अब जैसे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी की अपन बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे एबायोटिक चीज हो चाहे बायोटिक चीज हो, सब मिलके एक दूसरे की स्ट्रक्चर बनाएंगे ही, ठीक है। जैसे मतलब नहर होती है, नहर जाती है, नहर के आसपास अपने आप पेड़ उगाते हैं, तो आपके आसपास की चीजें ही आपकी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी, ठीक है। पानी मान लो गांव में ग्राउंड लेवल नीचे चला गया, तो उतना ही पीने के पानी की समस्या, पशुओं के लिए समस्या, तो एक अलग तरीके की कम्युनिटी स्ट्रक्चर डेवलप होगा। हो सकता है फिर पशुओं को रखना छोड़ दें लोग, मैकेनाइज्ड आपकी फार्मिंग होने लग गई, ठीक है, तो वो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा। तो चाहे लिविंग बींग हो चाहे नॉन लिविंग बींग हो, सारी चीजें मिलकर कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगी ही, ठीक है। फिर देखो इससे ऊपर वाले लेवल पे जब अपन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम में बेसिकली कम्युनिटी में कम्युनिटी से ऊपर और ज्यादा बड़ा मान, ठीक है, वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। उसमें लिविंग, बायोटिक एबायोटिक अपन ने सारे देखे, प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर रेनफॉल सनलाइट, सब जब मिलके आपस में रहेंगे वो एक अपना क्या हो जाता है, इकोसिस्टम। अगर देखो इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एरिया के हिसाब से, अगर यहां पे भी देखोगे ये भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, यहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर है, लाइट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये
अननेसेसरी डिस्कशन ये नहीं करना कि नेचुरल राइट नहीं है, ये लाइट है वो, समझने के हिसाब से बायोटिक एबायोटिक सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम हुआ। थोड़ा सा और बड़े एरिया में देखोगे तो वो भी एक इकोसिस्टम। तो ये लेवल्स के हिसाब से है, ना कि एरिया के हिसाब से, ठीक है। फिर अब इकोसिस्टम तो ये हो गया, इकोसिस्टम के कंपोनेंट एबायोटिक में अपन ने क्या क्या देखे, देखो पहला तो एनर्जी जो हमारी सन से आ रही है, उस एनर्जी की वजह से जैसे अपना एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, पानी आता है, उड़ता है, रेनफॉल होती है, तो जो रेनफॉल है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट ही हुआ। पानी किस चीज में हेल्प करेगा, पौधों को ग्रो करने में, वही पौधे हम खाएंगे, तो एक चीज मतलब इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग लेवल पे, तो रेनफॉल हो गया। या टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी ऑप्टिमम चाहिए, फरवरी में गर्मी कितनी हो रही है, इसी टाइप का अगर चलता रहा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, वो चीज है। देन ये एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में अपना क्या आएगा, एयर, जिसमें अपना मतलब सारी की सारी, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, सब एयर हर टाइप की अपने इसी में ही आ जाएगी। फिर इसमें ये टर्म है सब स्ट्रेटम, मतलब मान लो जिस चीज पे कोई चीज ग्रो करती है, ठीक है, जैसे जमीन है, जमीन पे पेड़ ग्रो करते हैं, तो उसके नीचे वाली जो चीज होती है उसको हम सब स्ट्रेटम बोलते हैं। फिर अलग अलग तरीके के मटेरियल जो अभी मैंने बताया कि भाई आपके जैसे ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन होगा, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह जो हमारे होते हैं, हम फूड में भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो शुगर की फॉर्म में, ठीक है, या जो चपाती हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन दाल होगी, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और इनऑर्गेनिक भी हो जाएंगे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये सब, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट हो रहे हैं इकोसिस्टम के। फिर एक टर्म है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक है। मान लो इक्वेटर पे आप हो, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाने लग गए, 90 डिग्री पोल्स पे पहुंच गए, तो उसका भी फर्क पड़ेगा ना कम्युनिटी और इकोसिस्टम पे, कि भाई नीचे तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि बारिश भी ज्यादा होती है, मॉनसून आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके डेवलप होते हैं, बट पोल्स पे हम जाते हैं तो वहां पे बर्फ है, क्योंकि वो सनलाइट उतनी नहीं पहुंच पाती, तो उसी हिसाब के ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप होते हैं। यहाँ पे सनलाइट अच्छी पहुंचती है, पानी भी फिर उतना ही ज्यादा इवेपोरेट होता है, उतनी ज्यादा बारिश होती है, लैटिट्यूड का भी फर्क पड़ेगा, ऐसे ही एल्टीट्यूड का भी फर्क पड़ता है। आप माउंटेन के बिल्कुल नीचे रहोगे तो अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, बट ऊपर जाते हैं तो भाई स्नोफॉल भी देखने को मिलता है अगर हाइट बहुत अच्छी है तो, ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी लीव्स भी चेंज हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिटेल में ज्योग्राफी में अपने काम का उतना ही है, ठीक है। फिर देखो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, तो इसमें जैसे एक तो प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्यों, क्योंकि वो खाना बनाते हैं, क्या मैम, चौपोषी, चौपोषी, ठीक है, तो प्रोड्यूसर चौपोषी, और ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब फिर से वही बनाना, ठीक है। अब पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे को एक ऑर्गेनिज्म खाता है, कौन खाएगा, जिसको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, जैसे हिरन ने खा लिया, खरगोश ने खा लिया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर को क्या, शाकाहारी, हाँ शाकाहारी। फिर वो जो हिरन या खरगोश है उसको खाने वाला अपना कौन हो जाएगा, मांसाहारी, ठीक है, और इंसान ऐसा है जो सबको खाता है तो वो सर्वाहारी। तो शवपोषी, फिर परपोषी, हिटरोट्रॉप को क्या बोलो, विषमपोषी, ठीक है, हिटरोट्रॉप्स, और उसमें फिर अपने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। तो ये अपने सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें कुछ नहीं, कंज्यूमर, हेटरोट्रोप और फैगोट्रोप। फैगोट्रोप टर्म क्या होती है, मतलब स्कैवेंजर, मतलब जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो डेड मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैगोट्रोप्स, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स और इनके मीनिंग्स। अब इसमें फिर से वही, ये जो छोटे छोटे हो जाएंगे वो तो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस और ये सब हो, मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे, जो बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये मैक्रो हो जाएंगे।
काउ, रैबिट, लॉयंस, ये अपने मैक्रो कंज्यूमर्स हैं। माइक्रो में वही डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, अब अपने पास इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन देखें तो देखो, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला, एक्वेटिक मतलब पानी वाला। तो इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वहां पे तीन टाइप के, फ्रेश और सलाइन, जो आपका समुद्र का रहता है, और इन दोनों के मैराइन। ठीक है, तो ये अब जैसे 35 पार्ट पर 1000, 35 याद रखते हैं कि भाई 35 वाला तो आएगा मैराइन में, ठीक है, समुद्र वाला मोर देन 35 PPT, वैसे ही आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 to 5 PPT वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, और जो बीच वाला होता है उसको सलाइन वाटर। ठीक है, तो ये अपने हो गए। अब देखो, सिंपल सी चीज है, गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से तो सारी सर्विसेज मिल ही रही है। प्लांट्स हमें खाने के लिए दे रहे हैं, एनिमल्स भी खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और मान लो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको करनी हो, जो साइकिल्स चल रही हैं हमारी, चाहे वाटर साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स की, वो भी कहां से चल रही हैं, इसी इकोसिस्टम से ही। ठीक है, एयर, वाटर, इनका भी प्योरिफिकेशन वगैरह भी हमारा यहीं से होता है। हैबिटेट, रहने की जगह भी हमें इसी इकोसिस्टम में ही मिलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर भी हमारा, तो फूड, फ्यूल, ये सब हमें यहीं से मिलता है। फिर जो कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मान लो हम मैंग्रोव्स का एग्जाम्पल देखना कि भाई सुनामी आई थी, बट वहां पे मैंग्रोव्स थे, तो उन्होंने उसकी विंड की स्पीड को कम कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ा। ठीक है, आपने पहाड़ों पे अच्छे तरीके से प्लांटेशन कर रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, वो उतनी नहीं होंगी, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं डिजास्टर से बचाता है। बट अगर इस इकोसिस्टम के साथ हम बकवास करने लग जाएंगे तो हमें ही उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे रीजनरेशन या सोयल फर्टिलिटी, जो मैंने बताया कि भाई साइकिल चलती है हमारी अलग अलग, ये अभी ओवरव्यू है, एक एक साइकिल भी अपन देखेंगे कि कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, प्लांट्स का पोलिनेशन मान लो, ठीक है, तो सब वही हो जाएगा, इनमें ज्यादा कुछ उतना समझाने का है नहीं। अब देखो, ये जो अपनी फिगर है, नॉर्मली क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं पानी वाला इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, एक मान लेते हैं लैंड वाला इकोसिस्टम। ठीक है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों में जीव भी अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं ना कहीं तो एक ट्रांजिशन होगा, जैसे कई बार हम क्या देखते हैं, बारिश आती है, बारिश एकदम से एक जगह हो रही है, एक जगह नहीं हो रही। ठीक है, बट हो सकता है स्पीड फुहार सी बच गई, कम होती होती, ऐसा था, यहाँ मूसलाधार हो रही है, फिर थोड़ी कम होती 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 एकदम से खत्म हो गई। ऐसे ही जब दो इकोसिस्टम होते हैं अलग अलग, उनके अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, पर जब उनका बीच वाला जो लैंड रहता है उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन हो गया, कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका, उसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, इकोटोन में क्या रहेगा, दोनों ही के एनिमल्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, तो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है इकोटोन में कंपेरेटिवली आसपास से ज्यादा होगी या कम, ज्यादा उसमें ये भी और इधर वाले भी। ठीक है, और ये इकोटोन बोला जाता है एक ट्रांजिशन एरिया। सीधा सीधा सवाल आता है कि व्हाट इज इकोटोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इट इज जैसे ट्रांजिशन, लैंड वाला ये है, एक्वेटिक वाला ये है, ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो मार्शेस होते हैं, मार्श लैंड बोलते हैं, मार्श को ध्यान रखना है, ग्रास से, मार्श और ग्रास दो चीजें होती हैं अपनी, एक तो होता है मार्श, मार्शी एरिया होता है ना, मतलब जहां दलदल से ही, हाँ मार्श, और एक होता है स्वैम्प, दोनों ही दलदल से ही होते हैं, पर फर्क क्या होता है, मार्स जैसा सुनाई दे रहा है ग्रास, ग्रास ऐसा स्वयं जैसा तो नहीं सुन रहा ना, मार्स जैसा ही सुन रहा है। तो देखो यहां पे ग्रास ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रीज, जबकि स्वैम्प में ट्रीज ज्यादा होंगे और आपकी ग्रास कम होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का फर्क हो गया।
तो इकोटोन समझ में आ गया। अब ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये सारी चीजें उतना नहीं है। ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ ये कम ज्यादा आपकी हो सकती है। फिर हमारे पास एक टर्म है निश, NICHA, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना है। वैसे निश बोलते हैं, निश, नाइकी, नाइश, कुछ भी बोल लो, अपना अपनी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बताना चाहिए NICHE है। बेसिकली क्या है कि हर आदमी जो रह रहा है या फिर हर एनिमल जो रह रहा है उसका हर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल रहेगा जो वो कर रहा होगा, है ना। तो उसी रोल को, यूनिक रोल को हम नीश बोलते, ठीक है। हर एक आदमी का एक यूनिक रोल, कुछ भी हो सकता है वो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग रहता है। जैसे मान लो लॉयंस ही हैं या टाइगर्स हैं, वो फूड चेन में सबसे ऊपर रहते हैं, वो औरों को खाते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं फूड चेन को। या एनिमल ह्यूमंस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो तो सारी चीजों को, फूड वेब, फूड चेन, सबको मेंटेन करके रख रहे हैं। तो सब अपने अपने लेवल पे जो यूनिक फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, नीश। अब इसमें दो तीन टाइप के आपके होते हैं। देखो, हैबिटेट नीश, जो जहां पे वो रहता है उसको हैबिटेट नीश बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। फूड नीश मतलब वो क्या खाता है, कहाँ से खाता है, क्या खाता है, ठीक है। वो हो सकता है डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहा हो या फिर उनको खत्म होने के बाद खा रहा हो, मरने के बाद खा रहा हो। रिप्रोडक्टिव, भाई अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो जो उसका फंक्शन होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव नीश हो जाता है। ऐसे ही फिजिकल एंड केमिकल मतलब जो आपस में इंटरेक्शन रहता है, चाहे बायोजियो केमिकल साइकिल मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो इंटरेक्शन है वो, या फिर टेम्परेचर रेनफॉल एनर्जी वाला जो इंटरेक्शन है वो, ठीक है। तो ये एक अलग अलग टाइप के नीश हो जाते हैं आपके, ये अपने काम का नहीं है। अब जैसे यहाँ पे टर्म, उसके बाद बायोम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, बायोम के बाद आता है सबसे बड़ा बायोस्फीयर। नॉर्मली हम क्या कहते थे, एटमोस्फियर, ठीक है, और हाइड्रोस्फियर, और तीसरा क्या है, लिथोस्फियर, ठीक है। एटमोस्फियर में क्या क्या आता है, देखो सीधा सीधा ये चीजें साइंस में भी आएंगी और इम्पोर्टेंट है। जैसे तीन सर्कल हमने बहुत बार सुने हैं, है ना। एटमोस्फियर मतलब जो भी गैसेस हैं अपने चारों तरफ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोस्फियर मतलब पानी, और लिथोस्फियर मतलब लैंड। तो ये तीनों जहां पे मिलते हैं वहां पे ही लाइफ डेवलप होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फियर, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोस्फियर में नहीं होगी, वहां भी होगी, पर वहां पे डिसॉल्व्ड फॉर्म में आपका ऑक्सीजन होता है जो काम में देता है, ठीक है। और नीचे तो कहीं ना कहीं वो पानी भी जहां पे होता है उसके नीचे भी तो फ्लोर रहेगा ही, ठीक है। मैं ऐसा तो है नहीं पानी, बट जैसा हम कहते हैं ना पानी की बूंद, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर, ठीक है। इसकी एक बाउंड्री होगी इस बूंद की, इसके अंदर पानी भी है और ऑर्गेनिजम्स भी हैं छोटे 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 छोटे। एक सवाल ये आया कि मतलब स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर तो ड्रॉप ऑफ वाटर को ही बोलते हैं, और बड़े से बड़ा तो चाहे पूरा अर्थ, अपनी जो अर्थ है वो बिगेस्ट बायोस्फीयर हो गया हमारे कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब बायोम क्या होता है, बेसिकली मतलब वही इकोसिस्टम से आगे की चीज हो गया, और ज्यादा बड़ा एरिया के हिसाब से तो हम उसको बायोम बोलेंगे। लैंड में जो बड़े बड़े अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, चाहे सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने भी रहते हैं, ये सारे के सारे अपने ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये जो बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं मतलब एरिया वाइज, तो इनको हम बोलते हैं बायोम। इनकी पर्टिकुलर क्वालिटी क्या रहेगी, लगभग सेम सा टेम्परेचर, सेम सी ह्यूमिडिटी, सेम से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इकोसिस्टम छोटा सा हो जाता है, बड़ा इकोसिस्टम आपका काइंड ऑफ बायोम हो जाता है। बायोम टर्म सिर्फ लैंड के कंटेक्स्ट में ही जनरली यूज करी जाती है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल वैसे इन्होंने ऊपर नीचे करके कि भाई जैसे अपन नीचे देखते हैं ट्रॉपिकल में, जैसे ये इधर से इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपन ने सुना है जो बिल्कुल 0 डिग्री पे होते हैं, ज्योग्राफी में ज्यादातर अपन, आप पढ़ा होगा शायद, ये करवा दिया ना, तो बिल्कुल ज्योग्राफी के, सॉरी, 0 के पास, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल एवरग्रीन से ही रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस इसके बाद आते हैं, मतलब पतझड़ वाले मॉनसूनल जो सेशन में अपने आते हैं, ठीक है। फिर ग्रासलैंड होते हैं जैसे स्वाना, ठीक है, ट्रॉपिकल, और फिर डेजर्ट वगैरह आपका होता है। अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं पोल्स की तरफ, तो ये पोल्स में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहती है, ठीक है। या फिर टुंड्रा, टुंड्रा में सिर्फ वो एक टिम्बर लाइन सी बोलते हैं हम पेड़ों की, तो वो ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलती। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जहां पे टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, वाटर कंडीशंस, एनर्जी कंडीशंस ऑप्टिमल है, वहां पे ऑब्वियसली स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिले। जैसे ही वो एक्सट्रीम पे होने लगती हैं, तो आपकी डाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग बायोम्स हैं, कोल्ड डेजर्ट, प्रेरीज, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स। अब ये सारा ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको अपन यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हमारा आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक में दो चीजें तो मैंने बताई दी थी, वो 35 वाला ना, हाँ 35 PPT। तो 35 से ऊपर जो है वो अपना मैरिन हो जाएगा, और 5 और 3 से नीचे जो है वो फ्रेश। अब फ्रेश में दो टाइप के आपके रहते हैं, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेश मतलब पानी में, सैलाइन मतलब उसमें सोल्ट ज्यादा है। 35 PPT मतलब सोल्ट, जैसे अपन बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो अपन घर में नमक खाते हैं इसी फॉर्म में, या फिर KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे ऐसे सोल्ट जब ज्यादा मात्रा में हो गए तो वो हो गया मैरीन इकोसिस्टम, जब कम मात्रा में है तो कौन सा इकोसिस्टम हो गया अपना, फ्रेश वाटर। इसमें दो चीजें रहेंगी, लेंटिक और लोटिक। लोटिक इसका मैंने क्या किया था, जैसे लोट लोट के चलते हैं, रिवर है जो मतलब बहता हुआ है, तो बहता हुआ में आएगा आपका लोटिक वाटर सिस्टम। लेंटिक मतलब स्टैटिक, उल्टा, ठीक है। तो लेंटिक में स्टिल वाटर, जो अपनी लेक्स हैं, जोड़ है अपने, ठीक है, इस टाइप से आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। तो जो रुका हुआ है वो आएगा आपका लेंटिक में, और जो लोटिक लोट लोट के बह रहा है वो आ गया लोटिक इकोसिस्टम। सिंपल, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे रिवर, उसके आसपास के झरने, स्ट्रीम्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब हमारे पास इनको थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, नाम ध्यान रख लो। एस्चुरीज, जैसे अपना ये इंडिया का कोस्ट है, तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैरिन बोलो या ओशन बोल लो, ओशन और लैंड पे यहाँ पे एस्चुरीज और डेल्टास बनते हैं। डेल्टा जब आपकी रिवर आ रही होती है, डिपोजिशन करती है, वो डेल्टा हो जाता है। ऐसे ही आसपास में कट फट के जब दोनों का मिक्सचर होता है, वहां पे एस्चुरीज बनती है, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, मतलब रिवर के माउथ पे टाइड्स भी आपकी चल रही होती है। बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जंक्शन पे, डिटेल में तीसरे चौथे चैप्टर में आएगा, वो आपकी एस्चुरीज हो जाती हैं। और यहाँ पे मिक्सचर होता है, रिवर का भी फ्रेश वाटर आता है और ओशन का क्या होता है, मैरीन वाटर। तो एक इकोटोन अपन ने देखा था, वैसे ही ये कंडीशन बन रही है कि मिक्सचर सा, ट्रांजिशन जोन। और जब भी ट्रांजिशन जोन होगा वो प्रोडक्टिव ज्यादा होगा, वहां पे स्पीशीज भी ज्यादा होंगी, क्योंकि इधर की भी कंडीशंस थोड़ी फुलफिल हो रही हैं और उधर की भी, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स भी वैसे ही डेवलप होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो यूनिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इधर सर्वाइव करेंगे या इधर सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अब ये वाला अपन ने देख लिया, बायोस्फीयर क्या रहता है, जहां पे लाइफ बेसिकली अपनी एग्जिस्ट करती है, लिथो, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब मिलके हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि 200 मीटर, ये वाला फैक्ट, समुंदर जो है, समुंदर के 200 मीटर नीचे लाइफ नहीं मिलती, ठीक है, 200 मीटर, और सरफेस के 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर के बाद आपको नॉर्मली लाइफ नहीं मिलती है। तो एक्सटेंट ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर, 200 मीटर बिलो द सी लेवल और 6,000 मीटर अबव द सी, एक ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा पहला चैप्टर था, इकोसिस्टम। देखो अभी अपन ने इसमें क्या क्या देखा है सिंपली। अच्छा पहले तो मुझे एक चीज बता दो, आई वॉन्ट टू बी श्योर, मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फास्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड है।
कुछ समझ में नहीं आता है और लगता है कि जी एकदम से जल्दी चला गया, स्किप हो गया है, रोक के उसी टाइम पूछ लेना है, क्योंकि इनमें कोई इतना मतलब ज़्यादा भारी भरकम सौदा नहीं है, ये हमें पता है सारी चीज़ें। तो अभी तक अपन ने देखा कि भाई एक तो इकोलॉजी होम, उसकी स्टडी हम इकोलॉजी बोलेंगे, हमने कुछ एंशियंट टेक्स्ट, सुश्रुत, चरक, इनमें भी इनका मेंशन है। फिर हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जी, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक। एबायोटिक में अपने क्या रहेंगे, एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉयल, वेरी गुड, और गैसेस, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथोस्फीयर और बेसिकली एटमोस्फीयर। ठीक है, पानी जब मिला तभी तो लाइफ बनी, ठीक है, बिना पानी के लाइफ नहीं होता। ऐसे ही जब भी जैसे कभी भी कोई सवाल आता है कि एक पर्टिकुलर मिशन वहां पे गया हुआ है, ठीक है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये रहेगा कि वो लाइफ तो देखने जाएगा ही जाएगा, और वो लाइफ को देखने जाएगा तो वो क्या ढूंढेगा, पानी। अगर किसी भी प्लेनेट में ऐसा आपके सवाल आ जाए कि भाई ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, चार ऑप्शन दे दिए, एक पानी है, तो मतलब ऑब्वियसली पानी, बिना पानी के जीवन नहीं बनेगा, बनता है बट ऐसे मान के चलो, ठीक है। फिर हमारे जैसे लेवल्स देखे हमने इसमें इकोसिस्टम में, हम एक से शुरू हुए तो एक को क्या बोल रहे हैं हम, इंडिविजुअल, और उससे ऊपर इंडिविजुअल की पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज की, और उसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी में मेजर और माइनर अपन ने देखे, मेजर के दो क्या थे, साइज एंड रिलेटिव इंडिपेंडेंस, KGF ध्यान रखना है, तो मेजोरिटी ऑप्शन दो ही मिलेंगे, ठीक है। और माइनर हो गया मतलब उसके ऑपोजिट, कम्युनिटी के बाद हमारा क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सब मिलके हो गए, बायोटिक, ए बायोटिक। इकोसिस्टम से थोड़ा बड़ा क्या हुआ, बायोम। बायोम हम किसके कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। इसमें अपने क्या देखा, ग्रासलैंड भी हो सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब अलग अलग तरीके के सब इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम से फिर ऊपर आगे और बड़ा क्या है, बायोस्फीयर। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर क्या है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम हो गया, मेजर माइनर कम्युनिटीज होगी। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, एटमोसफेयर में गैसेस, ये इसी में था, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी है, एटमोसफेयर नीश मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, यूं एक वो रिकॉर्डिंग नहीं चल जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान नहीं देना बस, हाँ जी अब तो नहीं, शायद नहीं है, मतलब इट इज अ गुड थिंग, एटलीस्ट वहां पे जाके आप वो कर रहे हो, दिमाग वहां चल रहा है, बट थोड़ा सा मतलब वापस आ जाओ, ठीक है। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, एग्जाम से पहले चल जाएगा बट एग्जाम में ये चीज नहीं चलेगी। मैं पूछ रहा था एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, कितने परसेंट, 78। फिर ऑक्सीजन कितना है, 21। फिर सबसे कम कौन सी है, थर्ड पे कौन सी, मुझे थर्ड तो बताओ, 0.333, 0.0003। अच्छा थर्ड पे आती हैं अदर गैसेस, वेरी मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और कोई इनको कंटेक्ट करना चाहेगा, आर्गन सर ने भी बोला था, आर्गन, ठीक है, आर्गन अपना तीसरे पे आता है, सबसे कम में कौन सी रहेगी, CO2। अब अगर मान लो ये तो हो गया एंड मतलब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में, ठीक है, अगर ओवरऑल जैसे मान लो पूछा जाए कि अर्थ, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्रस्ट में, हाँ ऑक्सीजन। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, ब्रह्म,
शुभम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन बिल्कुल ठीक है। शुभम पूछ रहे हैं सर व्हाट वाज योर मेंस ऑप्शनल। मेरा मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री HCS में, और मेडिकल साइंस फर्स्ट अटेम्प्ट UPSC। क्या कह रहे हो? इस बार एक है मैम, 200 नंबर का है। हाँ पिछले बार दो थे, 150, 150 के, 300 के थे, जीके का कम था, बट अभी जीके बढ़ गया है वेटेज, और ऑप्शनल में थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ाया है। पर देखो एक चीज है, मतलब ऑप्शनल से रिलेटेड भी एक डाउट था कि ऑप्शनल को अभी करना है या नहीं करना, तो मेरी मानो तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फोकस इज फर्स्ट। प्री अच्छा होगा, क्वालिफाई करोगे, GS अच्छी तैयार हो चुकी होगी तब तक, तब 50% एनर्जी ऑप्शनल में आप लगा सकते हो, 70 तक भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी अगर किसी के पास टाइम है, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा, दो से ज्यादा ऑप्शनल पे मत जाना, टाइम आ चुका है। 3 आखिरी के 3 महीने 4 महीने हमेशा प्री के लिए ही होते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बाद में देखेंगे, ठीक है। और वो मतलब फिर उसमें भी वही है, लिमिटेड चीजें होती हैं, वही पढ़ना है, बार बार लिखना है, तो वो करेंगे, पर अभी के लिए मतलब ऐसा भी नहीं सोचना ऑप्शनल होगा नहीं होगा, देखो जितना टाइम है उतने में जो होगा वो कर, ठीक है, जो बेस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट प्री क्वालिफाई करना है, प्री होगा तो आप ऑप्शनल अपने आप कर लोगे कि भाई GS, क्योंकि प्री क्वालिफाई हो रहा है तो ये एक चीज बता रहा है कि आपकी GS ठीक ठाक तैयार है, वहां पे फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी, सिर्फ लिखने की आवश्यकता बचेगी, फिर आप सारी की सारी एनर्जी 1 महीना ऑप्शनल पे लगा सकते हो। 1 month पर ऑप्शनल HCS, आई थिंक 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे दिए जाएं तो 1 महीने में ऑप्शनल तैयार हो सकता है आराम से, हिस्ट्री भी, ठीक है। हाँ फिर अपन ने देखा कि भाई माइक्रो कंज्यूमर अपन ने देखे, ठीक है, इनको डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप, ऑस्मोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑस्मोट्रॉप क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट्स मतलब जो घोल रहा है, वाटर है तो वाटर की मूवमेंट होगी, मान लो यहाँ पे छोटे 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 10 है, यहाँ पे 4 है, पानी किधर ज्यादा हुआ, इधर या उधर? इस साइड 4 है, इस साइड 10 है, तो कंसेंट्रेशन पानी की किधर ज्यादा है? पानी की कम उधर नहीं जाएगा, हाँ पानी की कम है उधर, हाँ ठीक है, हाँ पानी जहां ज्यादा है, देखो पानी यहां ज्यादा है ना, और पानी यहाँ कम है तो ऑब्वियसली ज्यादा से कम की तरफ ही जाएगा, ठीक है, बट इसको जब पढ़ाया जाता है तो हमेशा उल्टा पढ़ाया जाएगा, मूविंग फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन, बस वही, वो सॉल्ट के कंटेक्स में बात करी जाती है, बट सिंपली ऐसा ही बोल दो, मूविंग फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, सिंपल, जहां ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ ही जाता है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बार बार, फिर सेमी पर कम है ज्यादा है, बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस, और जो आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उनको ऑस्मोट्रॉप्स बोलते हैं। मैंने उसको चाय की बोली थी, चाय तो देखे नहीं गया, या पता नहीं देखे गया था उठा ले गया है, लाइट नहीं है, चलो तो इसमें फिर देखो और अपन ने क्या देखा, इकोटोन, इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन, ठीक है, और फिर अपन ने क्या देखा, एज इफेक्ट, हाँ एज इफेक्ट मैंने नहीं बताया ना, ये टर्म मिस होगी, मिस क्या हुई, बस ये तो मैंने बताया था, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो इकोटोन में इंक्रीज हो रही है, और यही फिनोमेना जो है वो क्या कहलाता है, एज इफेक्ट। एज मतलब कोणा होता है, इसका भी कोणा, इसका भी कोणा, दो कोणे मिल गए तो एक कोणा, ठीक है, जो भी, तो इसी पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी को इंक्रीज होने को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बायोम अपन ने देख लिया, ठीक है, और एक्वेटिक के 3 जोन हो गए आपके, फ्रेश, मैरीन और
और लेंटिक और लोटिक में भी अपने को फर्क समझ में आ गया। लोटिक मतलब फ्लोइंग, लोट लोट के, और लेंटिक मतलब स्टैटिक। एंड देन अपना एक्सटेंट ऑफ लाइफ क्या है, 6000 ऊपर, 200 फीट नीचे, फीट या मीटर, एग्जैक्ट, तो 200 मीटर और 6000 मीटर। फीट में कितना होगा, 1 मीटर में कितने फीट, कोमल बताओ, सोचो। मैं 2 मीटर का हूँ, कितने फीट का हूँ, 3 फीट का हूँ नहीं, 6, 6.5 मानेंगे, 6.5 आएंगे, 3.3 समथिंग, 1.3 या कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है, 3.1 में रहता है लगभग शायद। ठीक है, अब देखो ये अब अपना अगला चैप्टर, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब अपन इसको और सिंपल करते हैं, आराम से डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा हैवी हो जा रहा था, ठीक है। एक पर ये है इसलिए कि भाई ऐसे ऐसे अपने को प्रोसीड करना है, चीज़ें कोई मिस नहीं होंगी, ठीक है, आपको इसी तरीके से बढ़ते हुए चलना। हाँ जी, एनवायरनमेंट से 15 सवाल भी आ जाते हैं सर, 20 भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है, 12-13 पे भी रह जाती है गाड़ी, मतलब पर 12-13 प्लस ही रहेंगे, ये तो है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस, ये काम क्या क्या करेगा, पहला तो है एनर्जी, तो अपना सन है, सन से एनर्जी कहाँ आई, प्लांट्स में, प्लांट्स से कहाँ गई, एनिमल्स में, एनिमल्स से हो सकता है ह्यूमन में, ये सर्कल तो चल ही रहा है, तो एक एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इकोसिस्टम के मेनली 3 काम बोले जाते हैं, एक तो एनर्जी फ्लो करेगी ऐसे, अब इस एनर्जी के साथ जो आप खाना खा रहे हो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में रहते हैं, अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बोल लो, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कुछ भी, किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट भी फ्लो करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसका हमें बोला जाता है न्यूट्रिएंट फ्लो, इसका फंक्शन, ठीक है। फिर है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या है, सक्सेशन होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ठीक है। मान लो एक बैरन लैंड है, खाली खाली जमीन पड़ी हुई, वहां पे थोड़ा सा पानी आके गिर गया, तो वहां पे हो सकता है कुछ पहले से सीड पड़े हुए थे, या कोई पक्षी उड़ता हुआ आया, उसने एक दो सीड गिर दिए, पोलन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना अपना, ऐसे अपन ट्रांसफर करते हैं, तो अब इसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, तो ये यहाँ पे अब ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब पहली जो अपनी आई, ये मतलब सक्सेशन स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हो जाती है, चेंज होके फिर इसके लिए कंडीशंस, मान लो इसने इंटरेक्ट करना शुरू किया, अभी इसकी जो फेवरेबल कंडीशन थी वो क्या थी, एक बैरन सी लैंड हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिली, तो वो ग्रो कर गया, ठीक है। बट जैसे ही इसने मतलब मान लो फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ाई, ठीक है, CO2 कम हुई, तो ये अपने ही एनवायरमेंट को चेंज कर देता है आसपास के एनवायरमेंट, अब ये चेंज किसी दूसरी स्पीशीज के लिए फेवरेबल हो जाता है, तो ऐसे ही एक दूसरी स्पीशीज आ जाएगी, ठीक है। फिर वो भी हो सकता है, मान लो किसी के खाने के काम आती है, वहां पे फिर प्लांट्स आ गए, सॉरी एनिमल्स आ गए, वो वहां पे आसपास आके रहने लग गए, तो अब सब मिलके आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स, अब ये हो सकता है इसको खा जाए, या फिर किसी दूसरी वजह से ये स्पीशीज भी खत्म हो जाती है, फिर और बड़े पौधे जिनको प्लांट ये एनिमल्स नहीं खा सकते वो ग्रो करना शुरू करते हैं वहां पे, ठीक है। शुरू में वो रहा जिसको न्यूट्रिएंट्स भी कम चाहिए थे, ठीक है, कंडीशंस भी उतनी फेवरेबल नहीं चाहिए थी, पर धीरे धीरे बनते गए एक ओवरऑल समझ में आ रहा है,
कि भाई स्पीशीज चेंज हो रही है वन बाय वन, तो ये जो प्रोसेस है यही है, वन टू टू, टू टू थ्री, और फिर मान लो लास्ट में क्या हो सकता है, फ्लड आई या अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, वो खत्म हो गया, ठीक है, तो वो फिर से शुरू हो जाएगा प्रोसेस। तो ये अपना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन वही जैसे जनरेशन में भी आप बात करते हो कि भाई पिताजी बेटा पोता, इस हिसाब से, तो वो अपना सक्सेशन। इकोलॉजिकल मतलब वही प्लांट्स एनिमल जो अपना इकोसिस्टम में जो सक्सेशन चल रहा है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तीन मेन काम बोले जाते हैं इकोसिस्टम के, और आपस में सबको यही चीजें चाहिए होती हैं। देखो एनर्जी चाहिए, फूड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, और ये एक से दो, दो से चार, और ये, ठीक है। जब मान लो ये स्पीशीज ग्रो करने लगी, इसने मतलब वहां पे अपना नंबर भी बढ़ाया होगा, नंबर बढ़ा के इसने सोयल से इंटरेक्ट किया और एयर से इंटरेक्ट किया, उसने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज किया, फिर एक नई स्पीशीज को जगह दी, ये प्रोसेस सक्सेशन। ये समझ में आ रहा है? तो ये है सक्सेशन। अब यहां पे जैसे मान लो ये जो स्पीशीज आ रही हैं वन बाय वन, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट तो करेंगी ही इन द प्रोसेस, तो इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल लेवल इंटरेक्शन, इसमें अपने पास अलग अलग एक दो तीन चार पांच ट्रॉपिकल, T1, T2, T3, T4, तो सबसे नीचे जो होगा वो अपना कौन सा हो जाएगा, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे वन में आ जाएंगे। फिर इससे ऊपर अपना कौन सा हो जाएगा, प्लांट्स, जो हम हर्बीवर्स बोल रहे थे, सॉरी ऑटोट्रॉप्स, सर्वपोषी, ठीक है। फिर हर्बीवर ये हो गया T2, T3 क्या होगा, जो इसको खाएगा, हर्बीवर्स, ठीक है। T4 क्या हो जाएगा, कार्निवोर, और T5 क्या हो जाएगा, ऐसे ही ओमनिवोरस। तो ये हमारे अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स हो जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, जरूरी नहीं है यहां से ही शुरू हो T1 पे, ये भी हाँ उसको लास्ट में ले लो। तो नॉर्मली तो यही होता है, प्रोड्यूसर्स को अपन नंबर वन पे लेते हैं, बट फूड चेन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा आ सकता है, बट ये होता है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में T1 पे प्लांट रहेंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरी अपन ये डेट्राइटस जो फूड चेन होती है उसमें ये T1 पे आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि यहां से ही वो फूड चेन शुरू होती है। ये अभी अपन मैं बताऊंगा कैसे। तो ये अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ये जो प्रोसेस है खाने पीने का, ये एक चेन बन रही है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। अब फूड चेन आपकी दो टाइप की होती है, ग्रेजिंग और डेट्राइटस। ग्रेजिंग क्या होता है, जो प्लांट से ही शुरू होगी, अब जमीन पे जो शुरू होती है उसको टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और एक्वेटिक जो वहां पे प्रोड्यूसर्स होंगे, एक्वेटिक प्रोड्यूसर, फाइटोन्स वगैरह, ठीक है। तो जो पानी में शुरू होती है उसको एक्वेटिक ग्रेजिंग, दोनों टाइप की रहेगी ग्रेजिंग, सॉरी ग्रेजिंग सिर्फ टेरेस्ट्रियल में अपन इसको बोलते हैं ग्रेजिंग वाली, ठीक है, और दूसरी होती है एक्वेटिक। ये दो टाइप है आपके, इनमें जो प्रोड्यूसर्स से शुरू होती है यानी यहां से प्लांट से, बट मान लो एक डेड एनिमल पड़ा हुआ है उसके ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आके, वो डेड एनिमल प्रोड्यूसर तो नहीं है, या वो डेड प्लांट है वो तो प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक डेड है, डेड मीट, उस पर आपके ये आए डेट्राइटस, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने आके डिकम्पोज करना शुरू किया। वो जब डिकम्पोज करेगा, कार्बन नाइट्रोजन सब अलग अलग हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, अब वहां पे फेवरेबल कंडीशन बन जाती है प्रोड्यूसर के आने की, फिर आगे चेन तो वही चलेगी सेम की सेम, ठीक है। तो डेट्राइटस कौन सी होगी, यहां से, और ये मेनली जमीन पे ही होती है क्योंकि पानी में डिकम्पोज करने की कंडीशंस नहीं बन पाती, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, पानी में उतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती कि अटैक करने लग जाए। वो पानी में अगर कोई बहती बहती चीज किनारे पे आ जाएगी तब वो डिकम्पोज होना शुरू हो सकती है, ठीक है। टाइप्स है, हाँ ये टाइप्स है,
ठीक है, बेसिकली तो ये जैसे ये तो प्रोड्यूसर से जो शुरू हो रही है उसकी दो टाइप होगी, ग्रेजिंग और एक्वेटिक, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हो रही है वो है डेट्राइटस। कौन सी कहां से शुरू हो रही है उसके बेसिस पे अपन ने बना दिया। अब ये बहुत सारी फूड चेन, अब जैसे मान लो ये एक पौधा है, इसको रैबिट ने खाया, इसको डियर ने खाया, यहाँ पे लॉयन है, लॉयन का मन करेगा तो डियर को खाएगा, मन करेगा तो रैबिट को खाएगा, आसपास क्या है डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो रैबिट है इसको हो सकता है स्नेक भी खा ले, बड़े वाले खा लेते हैं कई बार। ठीक है, स्नेक को हो सकता है कौन खा ले, हाँ वो जो बर्ड्स मान लो बड़े बड़े, ठीक है, चील चूल टाइप्स, वो उसको ढाके लेके चलेगी। ठीक है, इसकी फिर हंटिंग करके हो सकता है आदमी खा ले। ठीक है, और जो लॉयन है उनको भी हो सकता है आदमी खा ले, खा सकता है, मतलब फूड चेन के हिसाब से तो खा सकता है। सोशली हमने बोल रखा है कि भाई नहीं खाएंगे, पर खा खा तो सकता है, इतने कैपेबल तो है। हाँ अच्छा, एक टर्म होती है कैनिबलिज्म, क्या होता है ये, मतलब इंसान ही इंसान को नहीं बोलेंगे, एक स्पीशीज अपनी ही स्पीशीज को खाती। हाँ, मतलब वही, बाकी इंसान के कंटेक्स्ट में वही इंसान इंसान को ही खाता है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं, और इंसान कुत्तों को भी खाते हैं, पता है? है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुत्ते चूहे, हाँ नीश दोबारा से बता दो, विल यू कंटिन्यू फर्दर क्लासेस ऑन यूट्यूब? नहीं शुभम, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होती, ओनली द फर्स्ट लेक्चर है किसी भी सब्जेक्ट का वो यूट्यूब पे जाता है, बस एक ही लेक्चर जाएगा आज आज का, उसके बाद सारे क्लासेस के लिए ही रहते हैं। एंड गुलशन, नीश क्या होता है, यूनिक फंक्शन। ठीक है, अब जैसे लॉयन है, लॉयन का अपना एक नीश है, वो जिस टेरिटरी में रह रहा है वो उसका हैबिटेट नीश हो गया, वो किस किस को खा रहा है वो उसका खाने वाला नीश हो गया। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, छोटे छोटे लॉयंस बना रहा है तो वो उसका रिप्रोडक्टिव नीश हो गया, तो ये नीश हो गया उसका यूनिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फंक्शन होता है इन द इकोसिस्टम, उसको हम नीश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो जाती है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, बट वही कोई भी किसी को भी खा सकता है इन जनरल। तो ये जो फूड चेन्स, अलग अलग फूड चेन्स मिल जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। अब एक एग्जांपल सोचो और मेरे को बताना, अगर मान लो एक फूड चेन है सिंपल, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एक फूड चेन है, फूड चेन टू, वो है ई एफ जी एच। ठीक है, अलग अलग है, एक कंडीशन तो ये है, ये फूड चेन अलग से एग्जिस्ट कर रही है, ये अलग से एग्जिस्ट कर रही है, एक कंडीशन हुई ये। सेकंड कंडीशन मैं कह दूं कि बी जी को खा सकता है, एफ को सी खा सकता है, ठीक है, और बी को एफ भी खा सकता है। ठीक है, एक कंडीशन हुई ये, मतलब जहां पे फूड चेन मिक्स हो रही है, यानी फूड वेब जिसके हम बात कर रहे थे, वेब होता है जाल, फूड चेन्स का जाल फूड वेब। तो जब ये जाल बन रहा है तो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज, जब ये अलग अलग थी तब ज्यादा थी इन ऑर्गेनिजम्स की, या फिर अब जब ये फूड वेब में आ गए हैं तब ज्यादा रहेगी फूड वेब के केस में। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। बी मतलब सी जो पहले था, हम बोले कि उसको सिर्फ बी ही खा, बी ही खाने को मिल रहा था, अब उसको एफ भी खाने को मिल रहा है, अगर बी सारे के सारे खत्म हो गए तो ये एफ से काम चला लेगा, पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ऑप्शंस बढ़ गए और चॉइसेस बढ़ गई, और चॉइसेस के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी।
अमृत सेन, क्या बोलते हैं चॉइसेस के बढ़ने को? अभिषेक बताइए मैम। अमृत सेन बात करते हैं कि द इंक्रीज इन द चॉइसेस डेवलपमेंट, ठीक है, तो डेवलपमेंट बोलते हैं हम उसको, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये अपना हो गया। अब जैसे सिटेशन टर्म यूज की जाती है, सिटेशन क्या होते हैं बेसिकली? देखो सीधा सीधा सवाल ये आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटेशन। दो चार ध्यान रखने हैं, यूपीएससी में भी सवाल पूछा जाता है और उसमें भी। वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब बायोलॉजी का पोर्शन कर रहे होंगे तब अपन मेनली देखेंगे, यहाँ पे ये चैप्टर में आ रहा था इसलिए इंक्लूड किया गया इनमें। तो ये जैसे अपने डॉल्फिन, प्रोपोइस, व्हेल्स जो होते हैं ना, इनमें इनको हम बोलते हैं, इनके कोई भी पिछले वाले हिंड लिम्स नहीं होते, पीछे वाले जो होते हैं वो नहीं होते, एंड एक ब्लो होल होता है पानी वाली निकालने के लिए, वो नहीं होता, ठीक है। तो ये सिटेशंस होते हैं। एग्जाम्पल ये कि भाई तीसरा कुछ और दे दिया आपको और आपसे पूछा जाएगा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोडा। पिछली बार भी एचसीएस में सवाल आया था और यूपीएससी में, बायोलॉजी के ऐसे ही सवाल आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो तो अपन क्लासेस में देख लेंगे, साइंस वाली में है आर्थ्रोपोडा, डायनासोर्स रेप्टाइल्स होते हैं। अच्छा वो हाँ वो उनके अलग अलग जो नाम, वो तो एक अलग चीज है। जैसे कॉकरोच होते हैं ना, ज्वाइंटेड लेग्स जिनके होते हैं, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, ये अलग अलग अपने उसमें आते हैं, बायोलॉजी में आएंगे ये, उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज आ रही है, इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? ये होता है ना पिरामिड। तो इकोलॉजी में देखो मेनली क्या चीज है, एक तो नंबर है, एक मास है, एक एनर्जी है। जो हमने फूड चेन अभी देखी, ए बी सी डी, ए के मान लो पांच नंबर ऑर्गेनिजम्स के, कि भाई ये पांच है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है। तो अब फिर एक इनका मास, मास जब भी बोला जाएगा वो जैसे ड्राई मास से हम बात करते हैं, जैसे मैक्सिमम तो अपने अंदर पानी होता है, पानी को हटा के आप ड्राई मास जो होता है, मास उसका कितना है उसके हिसाब से। ये मान लेते हैं कि भाई 1 किलो का है एक, ये 2 किलो का है अगेन, ये फिर हो सकता है एक जना आधा किलो का ही है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3 किलो का है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो समझने वाली चीज क्या है, सिंपल। अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड मतलब अरेंज करना है हमें ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, उसी फूड चेन के हिसाब से। नीचे ट्रॉपिकल लेवल 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर सबसे ऊपर T4 रहेगा। इसी सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। अब जब आप नंबर्स का बनाओगे, देखो इसमें अगर अपन बनाएंगे तो 5, 10, 15, 20 यानी बढ़ रहा है, जबकि ये जो पिरामिड है ये क्या दिखा रहा है? कम हो रहे हैं। तो अगर ये नंबर उल्टे होते हैं तो हम इस पिरामिड से इसको बना सकते हैं, बट अगर इस नंबर में बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा बेसिकली, उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। अब अगर ये वाला एग्जांपल देखें, 1 किलो, 2 किलो, फिर आधा किलो, फिर 3 किलो, तो ये तो इसमें भी नहीं आएगा। ये दोनों पिरामिड तो ये दिखा रहे हैं कि भाई मतलब रेगुलर बेसिस पे डिक्रीज, और ये है रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यहां पे मान लो ये है 5, 10, 15, 20, बेसिकली एरिया, इस पिरामिड का जितना एरिया है इस सेक्शन का वो रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर को, ठीक है ना। और यहां पे मान लो ये कितना एरिया है, तो ये दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये कितना है, ये तीसरे को रिप्रेजेंट करेगा, और ये चौथे को करेगा। तो ये जो एरिया सबसे बड़ा है तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा है तो ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 10 को कर रहा है, और ऐसे ही सबसे नीचे 5 को कर रहा है। तो चाहे नंबर का हो चाहे मास का हो, अब मास वाला मान लो मैं 1 किलो का बनाऊं, इधर बनाता हूं, मान लिया 1 किलो का एक डब्बा, ठीक है, मैं डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पिरामिड से नहीं कर रहा, समझने के लिए। 2 किलो के कितने बनाएंगे? दो डब्बे,
एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, आधा किलो का आधा डब्बा, तो एक ये बना दिया, 3 किलो के 3 डब्बे, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं लग रहा, ठीक है? तो इस ये कभी ऐसे जा रहा है जिगजैग सा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? तो मतलब किसी भी तरीके का पिरामिड बन सकता है, नंबर्स में भी ये पॉसिबिलिटी आपकी आ सकती है और इसमें भी। यानी जब नंबर का आप पिरामिड बनाने की कोशिश करोगे, वो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, मास का भी ऊपर नीचे या फिर ऐसे कैसा भी हो सकता है, ठीक है? बट जब एनर्जी का बनाने लगते हैं, तो एनर्जी में एक रूल रहता है अपना। एनर्जी में क्या रूल रहता है कि हाँ, 10% 10% ही ट्रांसफर होती है, 10% रूल। यानी 90% वेस्ट हो जाती है जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में हम जाते हैं। मान लो यहां पे पेड़ पौधे थे, इनके अंदर एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी, ठीक है? अब इनको, इतने पेड़ पौधों को जो हिरन बोल देते हैं, इसने खाया, तो इसके अंदर इस 10,000 का कितना ही पहुंचेगा, 10%, यानी कितना पहुंच पाएगा, 1,000। इसको 1,000 ही मिला। आगे इस हिरण को लॉयन ने खाया, लॉयन को कितना मिला, 100। और ऐसे इसने ह्यूमन ने खाया, तो ह्यूमन को कितना मिला, 10। अब एक चीज समझनी है, जो हम नॉर्मल कंटेक्स्ट में हमेशा बात करते रहते हैं, कि इज बीइंग हर्बीवोरस बेटर है या फिर कार्निवोरस, आप मांसाहारी अच्छे हो या शाकाहारी, शाकाहारी क्यों? हाँ, अब मान लो मेरे को चाहिए काम करने के लिए, इन जनरल एक ह्यूमन को लगभग लगभग कितनी चाहिए होती है डेली बेसिस पे, 2.5 लाख, 2,500, मतलब 2,000 से 2,500 के बीच में, 2,200 से 2,500 के बीच में काम चल जाता है। जी, तो अब ये जो 2,500 है अपनी, देखो मेरे को चाहिए 2,500, इसको हम सिंपल कर देते हैं, 1,000 कर दो, कि मुझे 1,000 कैलोरी का काम करना है। तो यहां पे देखेंगे तो मतलब यहां पे मैं सेट हो रहा हूं कहीं ना कहीं, ठीक है? तब मैंने, अगर मुझे 1,000 चाहिए, तो मुझे कितने किलो, ये सारे के सारे पौधे अगर मैं खाऊंगा तो मेरा काम चल गया। बट जैसे ही मैं यहां पे शिफ्ट हुआ लोयन वाली कंडीशन में, तो मुझे हिरन जितने भी थे सबको खा के कितनी मिल रही है, 100। तो मुझे 10 गुना हिरन खाने पड़ेंगे, ठीक है, 1,000 करने के लिए, और इन्हीं हिरन को भी फिर 10 गुना पौधे खाने पड़ेंगे, तो ये कितने पे हो जाएगा, 1 लाख पे। और जैसे ही ये 1 लाख पे हुआ, तो कंजम्पशन बढ़ गया ना, जहां काम आपका 1,000 कैलोरी लेने का काम 10,000 से चल सकता था अगर आप हर्बीवोरस होते तो, ठीक है? पर आप कार्निवोरस हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ रहा है। बट कार्निवोरस में भी आप ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल पे पहुंच गए, काम तो 1,000 से ही चलेगा एक दिन का, ठीक है? बट मैं खाओ उसको रहा हूं जो ऑलरेडी किसी को खा रहा है, चिकन को खा रहे हो तब तक ठीक है, ठीक है? मतलब फिर भी थोड़ा सा काम चल रहा है, बट आपने कुत्ते खाने शुरू कर दिए, तो आप यहां पे आ गए। अब मिल तो रही है 10, तो अब फिर 10 10 से मल्टीप्लाई करो, और 1 लाख का 10 लाख, मतलब उसको वहां तक पहुंचने में 10 लाख किलो कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी प्राइमरी लेवल पे, तब आपने वो एक खाया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई प्रेशर बढ़ता जाता है, जो प्लांट्स हैं वो आपके खत्म होते जाएंगे, और जो एनिमल्स हैं उनको आप खा रहे हो, उनको भी ज्यादा एनिमल्स बनाने पड़ेंगे। फिर इसकी वजह से क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, चिकन की अलग फैक्ट्री बनी हुई है, उन्हीं को प्रोड्यूस करने के लिए उतने सारे फिर प्लांट्स उगाने पड़ते हैं, फिर इनका जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती हैं। देखो मैक्सिमम जो एमिशन आपका ग्रीन हाउस गैसेस का होता है, वो पता है किससे होता है, कौन से सेक्टर से बहुत बात करेंगे, एग्रीकल्चर, ठीक है?
अब ये एग्रीकल्चर आपको अगर 100 गुना करना पड़ गया अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ज्यादा होंगी, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होंगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर दिक्कत है, फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होगा कि जी नहीं बढ़ने देंगे, वो तो बढ़ेगा, कुछ नहीं होना, 50 साल की बात हो रहा है। तो ये अब एक चीज समझ में आ रही है, देखो एनर्जी वाला तो हमेशा, क्योंकि 10% लूज हो रहा है, तो चाहे आप कहीं से शुरू करो अगले वाले में सिर्फ 10% ही जाएगी, तो इट इज ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, अपराइट, ऊपर कम नीचे ज्यादा। तो ये अपना क्या आ जाता है, ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है, सवाल यह आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो एनर्जी, जबकि हमारा फूड और नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक टर्म आती है बायोमास, बायोमास हम बोलते हैं ड्राई वेट, यानी जब वही वो अपन वाटर वाला हिस्सा निकाल देंगे तो वो बायोमास, ये स्मोक नहीं है, ये स्नेक है। स्नेक में एक ऑर्गन होता है जैकबसन ऑर्गन, वो स्मेल के काम आता है बेसिकली, ये फैक्ट था उसमें दिया हुआ था तो अपन ने लिख लिया, जैकबसन ऑर्गन इन स्नेक स्मेल। अब देखो जैसे दो चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं अभी समझने हैं, जैसे हम डीडीटी यूज करते थे या आज के टाइम पे हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो पहले लेवल पे हैं, पहले तो वो चीज जमीन में आपने डाली कि किसी को मारना है, पेस्ट को मारना है, कुछ भी करना है, इंसेक्ट्स को मारना है, वो हमने डाली, वो अपना आया प्लांट में, आगे प्लांट को किसी ने खाया, फिर वो आएगी इसमें, फिर वो आएगी नेक्स्ट वाला जो खाएगा, वही ट्रॉपिकल लेवल वाली चीज चल रही है। दो टर्म आ रही है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेट होना। फर्स्ट लेवल पे जब चीज आके एक्यूमुलेट होती है फर्स्ट लेवल पे, तो आप अपन उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। बट इस लेवल से जब दूसरे में जा रही है, तो यहाँ पे मान लो अगेन वही 10% वाली जो चीज रहती है, इसने मान लो 10 इसमें गई, 10 इसमें गई, 10 इसमें गई, इसने 3 प्लांट खाए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, उनमें ये भी 10 जाएगा, ये भी 10 जाएगा, ये भी 10 जाएगा, 30 जाएगा, ऐसे 2 लोगों को ये खाएगा तो इसमें 60 जाएगा हमेशा, क्योंकि एनर्जी 10% ही ट्रांसफर हो रही है। तो उसी हिसाब से ये आपका मैग्नीफाई होता जाता है, मतलब यहां एक ऑर्गेनिज्म में 10 थी, वहीं एक ऑर्गेनिज्म में यहां 30, तो उस हिसाब से भी। हाँ जी, अकुमुलेट हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल पे कि जी अकुमुलेट हो गया, अकुमुलेट वैसे तो इसमें भी हो रहा है, बट यहां पे टर्म क्या यूज करी जा रही है, 10 से 1 में बढ़ गया ना, बढ़ना इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं इस प्रोसेस को, कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे में जा रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के पीछे कारण क्या है कि ये चीज डिग्रेड नहीं हो पा रही, डीडीटी या फिर कुछ भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डिग्रेड होते नहीं बायोलॉजिकली भी, बायोडिग्रेडेबल जो अपन बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, तो ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी ही जाएंगे, तो इसको अपन फिर बायोमैग्निफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, एंड ये बायो अकुमुलेशन, ठीक है, ये अपना दोनों का डिफरेंस। और अब जो प्रोडक्ट बायो अकुमुलेट हो रहा है उसमें जैसे उसकी लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो, ये चीजें ध्यान रखनी। अब हमारे पास आती हैं, अब जो ये अपन ने देखे अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली भी कभी भी कुछ भी सोचने लग जाए कि भाई आदमी किससे कैसे इंटरेक्ट करेगा, हमारे पास देखने के लिए तो 3 ही चीजें होती हैं, प्लस माइनस और जीरो, ठीक है। अब हो सकता है 2 आदमी आपस में पॉजिटिवली और पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर, हो सकता है 1 पॉजिटिवली कर रहा हो दूसरा नेगेटिवली कर रहा हो सकता है 1 पॉजिटिव हो और दूसरा इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, नेगेटिव जीरो, नेगेटिव तो नहीं जीरो, हो सकता है बस दोनों साथ में चल रहे हो और जीरो जीरो पे, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू लव, ठीक है।
ट्रू लव इज नेवर पॉजिटिव पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज जीरो जीरो। ठीक है, तो अब इन इंटरेक्शन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्या? देखो, म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं भाई। तो ये म्यूचुअलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, फिर ध्यान रखना है एमेंसलिज्म। ठीक है, मेरा नाम ए से शुरू होता है, मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये एमेंसलिज्म जो है वो होता है नेगेटिव जीरो। ठीक है, मतलब एक आपको नुकसान पहुंचा रहा है पर फिर भी आप चुप बैठे हुए, आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वो हो जाता है नेगेटिव जीरो। एग्जांपल जैसे क्या होता है, एक बड़ा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं इसकी छाया जब बढ़ने लग जाती है तो ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो इनके साथ तो नेगेटिव हो रहा है बट ये बेचारे इसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे, जीरो में है। ठीक है, तो ये हो गया, ये एमेंसलिज्म है। एमेंसलिज्म में नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करोगे तो वो कमेंसलिज्म हो जाता है। तेरा है किसके साथ? अच्छा, ए पॉजिटिव। अच्छा, तो सी, ठीक, कमेंसलिज्म पॉजिटिव और जीरो। एग्जांपल अभी देखेंगे इनके सारे, दोबारा से बुक खोल के दिखाऊंगा। देन कंपटीशन, अपन अभी बात करते हैं कंपटीशन की, अपन भी कंपिटेटिव एग्जाम में है। कंपटीशन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, कंपटीशन इज नेवर हेल्दी। हमें बताया जाता है कि कंपटीशन इज हेल्दी बट कंपटीशन हमेशा नेगेटिव, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे दोनों को ही नुकसान होगा, सामने वाला उसको, सामने वाला उसको। बट हमें क्या सिखाया जाता है? धीरे 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 समाज को फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, बट उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो नेचुरल है कंपटीशन, मैनमेड नहीं है, कंपटीशन नेचुरल है। एग्जाम प्रोसेस मैनमेड हो गए, ऐसे नहीं हो रहा होता तो किसी और तरीके, ये सभ्य तरीके से कंपटीशन कराया जा रहा है, फिर दूसरे तरीके से होता तो कंपटीशन इज नेगेटिव नेगेटिव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट वॉट इज फिट एंड वॉट इज नॉट, ये कौन डिसाइड कर रहा है? दैट इज अ, ठीक है, टैलेंट, देर इज नो सच थिंग एज टैलेंट, एब्सोल्यूट टैलेंट। ऐसा बोला जाता है ये लोग टैलेंटेड है, बट हो सकता है दूसरी सोसाइटी में जाके वही लोग नॉन टैलेंटेड हो जाए। ट्राइबल सोसाइटी है, वहां पे खाने के लिए मछली पकड़ना आना चाहिए, अब कितने तगड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हो वहां पे जाके सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अलग अलग सोसाइटीज के हिसाब से, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में जैसे इंटेलिजेंस या टैलेंट इन सब, तो ये एक अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग चीजें रहेंगी। ठीक है, फिर आपकी चीज होती है प्रिडेशन। प्रिडेशन और पैरासाइट, इसमें रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जो पैरासाइट है अपने शरीर में रहता है, आंतड़ियों में रहता है, या फिर जैसे छोटे छोटे जो, हाँ ये क्या है, चिचड़ से नहीं आएगा वो, एक बड़े ऑर्गेनिज्म पे जो छोटे डिपेंडेंट है, साइज के हिसाब से बोला जाता है, बड़े पे अगर छोटे डिपेंडेंट है वो कहलाता है पैरासाइट। ठीक है, प्रिडेशन क्या होता है? यही चीज, मान लो लॉयन है वो हिरण का शिकार करता है, प्रेडेटर और प्रे, तो लॉयन हो जाता है प्रेडेटर, प्रे मतलब शिकार, वो हिरण, और ये प्रोसेस क्या होता है? प्रिडेशन। इंटरेक्शन क्या है? फायदा किसको है? लॉयन को, हिरण को नुकसान, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे फायदा किसको हुआ? छोटे वाले को। ठीक है, तो साइज के हिसाब से इनके नाम अलग हैं, बट इंटरेक्शन दोनों क्या है? एक को पॉजिटिव फायदा हो रहा है, एक को नेगेटिव नुकसान हो रहा है। ठीक है, और न्यूट्रलिज्म क्या होता है? जीरो जीरो। वो बस वो वैसे ही, जैसे कई बार अपन देखते हैं कई बड़ी
मछलियां होती हैं उनके नीचे बहुत सारी छोटी मछलियां चल रही होती है, वो बस वैसे ही चल रही होती है, ना तो उसको उससे कुछ नुकसान होता ना कुछ, वो वैसे तो वो उसको खा, मतलब उन दोनों में वैसा, मतलब ना इसको उससे बेनिफिट हो रहा है ना उसको उससे नुकसान होता है। बेसिकली क्या है कि मतलब दो लोग आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको अपन न्यूट्रलिज्म में लेके चलेंगे। ऐसा तो थोड़ा तो हम सोचने को तो ऐसा लगता है कि हाँ पता है वहां से भी बेनिफिट हो रहा है, यहाँ से उन दोनों को आपस में बेनिफिट नहीं हो रहा, तीसरे से हो सकता है बेनिफिट हो रहा है, उसकी वजह से उसको ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, ठीक है, उस इंटरेक्शन को अपन न्यूट्रल बोलते हैं, दोनों ही जीरो जीरो। इसके लास्ट में जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं वो अपन देखेंगे। अब है बायो जियो केमिकल साइकिल, नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मतलब बायोलॉजी, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, या जियो मतलब जो अपना लिथोस्फेयर या उसको बोल सकते हैं, ठीक है, केमिकल मतलब वही ऑर्गेन मिनरल्स वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, तो इनकी जो साइकिल चल रही होती है उसको हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें अपने जैसे एक होती है न्यूट्रिएंट साइकिल, एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। न्यूट्रिएंट वाली जनरली गैसेस होती है जैसे कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इनमें फर्क क्या होता है, सेडिमेंट्री में जो अपना लिथोस्फीयर है वो आ जाएगा, उसका भी रोल आ जाएगा, मतलब जैसे फॉस्फोरस सल्फर की जो साइकिल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ फॉस्फोरस आपका यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आके डिपॉजिट हो जाता है, या सल्फर, तो वो क्या होगा, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया, और वो जब तक यूज नहीं होगा तब तक तो यहीं पड़ा रहेगा। तो मान लो 100 थे, 5 यहाँ रह गए, तो यहाँ कितना पहुंचा, 95। तो ये जो साइकिल चलेगी जिसमें लिथोस्फेयर इन्वॉल्व हो गया है तो इसको हम इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, जबकि अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता और सारा का सारा इंटरेक्शन एटमोस्फेयर में ही चल रहा होता तो 100 थे 100 में थे 100 में ही रह गए, ठीक है। तो जैसे कार्बन नाइट्रोजन, हाँ हाँ बट वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, जैसे जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करते भी हैं यहाँ पे टाइम पीरियड जो फॉस्फोरस और सल्फर का रहता है वो बहुत लंबा होता है, हाँ टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, जबकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली वो थोड़े टाइम के लिए रहता है सोयल में, फिर वो यूज होके फिर से क्रॉप साइकिल में चला जाएगा, ऐसे तो थोड़े टाइम के लिए आ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपनी दो रहेंगी। अब इसमें जैसे नाइट्रोजन वाली ही चल रही थी तो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें जैसे तीन तरीके होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के, या तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो राइजोबियम अपन पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, तो राइजोबियम भी हो सकता है नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, या आदमी जो फर्टिलाइजर्स यूज करता है उससे भी डायरेक्टली फिक्स हो जाती है तो वो उनको सीधी मिल जाती है तभी तो ग्रो करते हैं प्लांट, ठीक है, या फिर जो अपनी बिजली कड़कती है लाइटनिंग, लाइटनिंग से भी हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। तो ये तीन प्रोसेस ध्यान रखने हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या आदमी डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स वगैरह बना के, या फिर एटमोसफेयर से सीधा लाइटनिंग वगैरह से। अब इसमें जैसे ये ध्यान रखना है कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम राइजोबियम, ठीक है, ये एनाबिना स्पायरुलिना ये ब्लू ग्रीन एल्गीज, हाँ याद करने हैं, यही तीन चार एग्जाम्पल्स हैं। क्या ट्रिक तो इसकी तो नहीं है, ये तो मैं तो एक्चुअली बचपन से पढ़ता था तो मुझे वैसे ध्यान है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनिकम ध्यान है, जो मतलब पैक्ड फूड जो आता है वो जब ज्यादा टाइम तक रखा रह जाता है तो उसमें टॉक्सिन्स बन जाते हैं, वो क्लॉस्ट्रिडियम की वजह से बनते हैं। चार पांच बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है नाइट्रोसोमोनास होता है नाइट्रोबैक्टर, जैसे इसका जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन रहेगा, अमोनिया जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट, ठीक है, ये प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का।
नाइट्रेट से दोबारा जब आप फ्री कर दो इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब जो नाइट्रोसोमोनास है ये नाइट्रोबैक्टर कहलाता है, नाइट्रोबैक्टर ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। देखो इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, एक ये ध्यान रख लेना बस, सूडोमोनास, सूडो मतलब फेक, फॉल्स, तो सूडोमोनास उल्टा कर देता है, नाइट्रोजन बनाता है बस, ठीक है। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एजोटोबैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, बिना पूछ सकता है, बट ये तो ध्यान रखना ही रखना, ठीक है। एना बिना, स्पाइरुलिना, नो स्टॉक, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के तरीके। अब जैसे सल्फर अपन ने देखा, फास्फोरस सल्फर, उसमें एटमॉस्फेयर का भी गैसियस कंपोनेंट है, जैसे SO2 वगैरह जो बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और नीचे जब वो सेडिमेंट्स में आता है तो सॉलिड फॉर्म में वो रॉक्स में कन्वर्ट होके फास्फोरस सल्फर, वैसे भी सेडिमेंट्स में, लिथोस्फेयर में आपके रह सकते हैं। और जो सल्फर होता है या फिर नाइट्रोजन हमारे होते हैं, वो एमिनो एसिड और प्रोटीन बनने में भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो मैंने आपको बता दिया था, फर पिकिंग वाला। अब देखते हैं सक्सेशन, जो अपन ने इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा था। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बस आराम से ये सोचना है, सक्सेशन क्या हुआ, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल ही बैरन लैंड है, कुछ नहीं है, तब एक जो प्रोसेस शुरू होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। हो सकता है यहां पे एक कम्युनिटी थी, नेचुरल डिजास्टर आया, बैरन लैंड बन गई, पर वहां पे वो कम्युनिटी, उसके डेड मटेरियल पड़े हुए, तब वहां पे जो सक्सेशन होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी मतलब कुछ नहीं था, सेकेंडरी मतलब वहां पे कुछ था, खत्म हुआ, वो सेकेंडरी सक्सेशन। अब मुझे ये बताओ, प्राइमरी ज्यादा फास्ट होगा या सेकेंडरी? सेकेंडरी फास्ट होगा, क्यों? हाँ ठीक है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, बायोमास है, उसी का एनर्जी का यूज करके ही तो बनेंगे, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीजें होती है, देखो नॉर्मली जैसे 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 अपन एक एक कम्युनिटी पे बढ़ते जाएंगे, कंपटीशन, पहले मान लो एक ही कम्युनिटी थी, अब ये बैरन लैंड थी, इस पे शुरू में तो वो छोटे छोटे बीज थे, एक ही कम्युनिटी, एक ही प्लांट आया, कंपटीशन है क्या? कम है, जीरो है, कोई और दूसरी कम्युनिटी नहीं है। इसने, मैंने बताया था, इंटरेक्ट करना शुरू किया, एनवायरमेंट को चेंज किया, इसके लिए अनफेवरेबल हो गया, दूसरी कम्युनिटी आने लगी, दूसरी आई, जब ये जा रही है दूसरी आ रही है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ये जब बड़ी, हो सकता है बाहर से एनिमल्स वगैरह भी आ गए इसको खाने के लिए, तो और कंपटीशन बढ़ने लगे अगले सक्सेशन में। तो जैसे जैसे हम एक से, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट होती है, मूवी का क्लाइमेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और इनके बीच में जितनी भी रहेंगी उनको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा ना। नहीं, मैं ये सोच रहा था इस हिंदी वाला इशू आ रहा है अभी, तो क्या किया जाए इसका अभी, कितना समझ में आ रहा है आपको, कितने परसेंटेज वर्ड्स? हिंदी में सोर्स क्या रखेंगे वो देखना पड़ेगा, मैं आज थोड़ा सा सर्च करता हूँ। आपको इनके मीनिंग तो समझ में आ ही रहे हैं है ना, आप समझने पे ही कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि वैसे तो दोनों ही लैंग्वेज में होता है पेपर तो, पर अब हिंदी मीडियम वाली बुक देखनी पड़ेगी अपने को, कौन सी हो सकती है एक बार करके।
पर अपने को तो दोनों हिसाब से ही तैयार करना पड़ेगा ना। शंकर आती है हिंदी में? हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ये रहता है कि स्टडी मटेरियल मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी मैं देखता हूँ एनवायरनमेंट की हिंदी की जो सबसे अच्छी बुक रहेगी। काम सारे मिल जाएंगे उसमें भी, जो भी मिलेगी कोई ना कोई तो बुक मिलेगी। मेरा एक दोस्त है हिंदी मीडियम की, मिल जाएगी बुक। आज करते हैं इस काम को। तो इसमें देखो, अब जैसे जैसे कंपटीशन जीरो था, कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा आप आगे की तरफ जाओगे तो। ऐसे ही डाइवर्सिटी, पहले एक थी, फिर दो, तीन, चार, पांच, लास्ट तक जाते जाते डाइवर्सिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। वो पहले एक कम्युनिटी थी, फिर इंटरेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। स्टेबिलिटी एक थी, खत्म होगी, दूसरी आई, खत्म होगी, जो लास्ट रहेगी पायनियर कम्युनिटी, वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है, क्योंकि वो बहुत सारे इंटरेक्शन और एनवायरमेंट उसके लिए सुटेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी भी, ये वाली उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, आगे आने वाली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही नीश डेवलपमेंट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अभी तक तो एक ही ऑर्गेनिज्म का नीश बना था, फिर अलग हुए, तो ये भी आपका बढ़ रहा है। सारी चीजें अपनी जैसे जैसे हम सक्सेशन में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इंक्रीज होते जाएंगे। अब इनके अलग अलग टाइप होते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा। ऑटो जेनिक, एलोजेनिक। ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद करता है, मतलब खुद के लिए ही ऐसी कंडीशंस डेवलप कर दी कि उसको जाना पड़ा, उसने सारा एनवायरनमेंट खुद ही चेंज कर दिया, जो अभी तक अपन ने देखा ये ऑटोजेनिक कहलाएगा। बट अगर बाहर से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर आके, एनिमल आके या नया प्लांट आके, जैसे अपन देखते हैं इन्वेजन, इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं, इसकी हिंदी पता है मैम? अब बाह्य स्पीशीज या बाहरी स्पीशीज आके आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आ जाती, इन्वेड कर देती है अंदर आ गई, तो इनको बोलते हैं इन्वेजन स्पीशीज, अतिक्रमण। ठीक है, तो बाहर से कोई आके करता है तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको हम बोल देंगे फिर एलोजेनिक सक्सेशन, जो बाहर से आके करेगा। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से जो अपनी कंडीशन को खराब कर रहा है वो अतिक्रमण। ये इसमें थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदी दे देता है, ठीक है। और एलोजेनिक में मतलब आउटसाइड फोर्सेस आपकी काम कर रही हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? देखो, ऑटोट्रॉपिक यानी प्लांट से शुरू हो रहा है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? अपने प्लांट। तो प्लांट से जो चीज शुरू होगी सक्सेशन में, वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है। हेटरोट्रॉपिक यानी एनिमल से, प्लांट से नहीं, ठीक है। अब एक चीज है कि सक्सेशन फास्टर इन द मिडल ऑफ ए कंटिनेंट, क्योंकि कंटिनेंट में क्या है, बीच में हर जगह से कुछ न कुछ मटेरियल फैक्टर्स आके काम करते हैं। इसका अपना एक अलग एनवायरनमेंट हो सकता है, इसका अपना अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, बट बीच में कंडीशन सबकी मिल जाती है। इसलिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप कंटिनेंट के बीच में अगर हो तो वहां पे रेट फास्टर रहेगा सक्सेशन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह की सारी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है। तो इसमें अपन ने क्या क्या चीजें समझ ली? फंक्शंस एनर्जी के, न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोट्रॉपिक, हिटरोट्रॉपिक, ठीक है, एलोजेनिक, ऑटोजेनिक। जेनिक मतलब जेनेसिस करना, खुद से ही जेनेसिस कर रहा है अपने ही सक्सेशन का, तो जेनिक। ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब वो उसके प्रोडक्शन को दिखा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ठीक है। नहीं तो नहीं, फूड चेन अपन ने देख ली, ग्रेजिंग वाली जो घास खाने वाली हो जाती है, टेरेस्ट्रियल वाली, एक्वेटिक वाली एक्वेटिक, डेट्राइटस डेड मटेरियल पे जो रहती है वो डेट्राइटस। फूड चेन से कॉम्प्लेक्स में आए तो फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड कौन सा सिर्फ और सिर्फ अपराइट रहता है? एनर्जी, मास या नंबर? कितने परसेंट एनर्जी? 10%। बायोमास में आपने ड्राई मास, हम लेते हैं ड्राई वेट, वाटर को हटा के। एक्युमुलेशन, बायो एक्युमुलेशन क्या है?
हाँ, जब वो अकुमुलेट हो रहा है फर्स्ट टाइम, जब वो दूसरे में जाएगा तो उसका नंबर इंक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और वो क्यों बढ़ता जाए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल होता तो वहीं पे खत्म होके चला जाता, नहीं उसमें नहीं जा पाता। ठीक है, इस वजह से म्यूचुअलिज्म कमर्शियलिज्म ये इनके अभी देखते हैं। साइकिल देख लिया अपने, परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा रिसाइकिल हो जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे टाइम तक अंदर फंसा रहा लिथोस्फेयर में तो इम्परफेक्ट। फिक्सेशन के तीन तरीके, ऑर्गेनिज्म आदमी से भी और आपका एटमोसफेयर से। और डीनाइट्रिफाइंग जो उल्टा करता है, सूडो जो जूठा है वो उल्टा कर रहा है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाएगा। पर पिकिंग सक्सेशन में क्या क्या चीजें, और ये सारी चीजें बढ़ रही है। प्राइमरी मतलब बिल्कुल ही जीरो से, या फिर प्राइम बैरन लैंड से। सेकेंडरी मतलब पहले कुछ था, खत्म हुआ, अब उस पर हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। ऑटो एलो ये हो गया सारा। तो इसमें कुछ बचना जाए, देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप ये अपना हो गया है। टाइप ऑफ फूड चेन ग्रेजिंग वाली, जैसे ये देखो प्लांट है घास, या फिर एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब प्लांट, जू मतलब एनिमल्स। तो ये एक्वेटिक का चलेगा, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। उसको एक एनिमल खाता है जिसको जू प्लैंक्टन, उसको फिर फिश खाएगी, फिश को फिर बतख ने खा लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लांट था, प्लांट को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को छिपकली ने, छिपकली को स्नेक ने। तो ये क्या है, अपनी फूड चेन। अब ये सारा का सारा इंटरेक्शन, ग्रास ग्रास ऊपर लिजर्ड, अपने एग्जाम्पल देख लिया, समझ लो बस। तो ये हो गया फूड वेब। डेट्राइटस में क्या है, सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हो रहा है डेड पे। ठीक है, ये अपने पिरामिड के नंबर हो गए, देखो नंबर्स का है, इतने सारे प्लांट फिर ये ऊपर नीचे। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बट अपना देखो नंबर्स का भी इन्वर्टेड हो सकता है। प्रोड्यूसर है एक प्लांट, प्लांट पे बहुत सारे ग्रास हॉपर्स। ठीक है, ग्रास हॉपर्स पे बहुत सारे कीड़े पैरासाइट, और उनके भी ऊपर हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मान लो दो होंगे, तो दो के ऊपर 10 तो होंगे, तो ये 10 टाइम्स हो गए। इस 10 पे मान लो हर एक पे दो दो है, तो वो 20 हो जाएंगे। तो ये इन्वर्टेड हो गया ना नंबर्स का, तो ये इन्वर्टेड हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर्स, ये बायोमास का है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपने प्लांट्स हैं उनका बायोमास बहुत कम होता है। ठीक है, अब उससे ऊपर फिश में जाते हैं, छोटी वाले फिश, उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है पर फिश, और जो बड़ी वाली होती है उनका और ज्यादा होता है। तो ये भी इन्वर्टेड, कम ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और एनर्जी हमने देखा था कि एनर्जी अपवर्ड, ये तो उसी का एग्जाम्पल है बायोमास का ही, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सेम कैलोरी वाला मैंने आपको बता दिया, 1000, 100, 10, 1, 10% रूल। ठीक है, पोल्यूटेंट बायो मैग्निफिकेशन अपन ने देख लिया, एक था प्रोड्यूसर में 1000 गया, उसको इसने खाया तो सबने खा लिया, 10 10 10 10 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वही चलेगा। और अब ये इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, देखो म्यूचुअलिज्म, इसका एग्जांपल देखते हैं अभी, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्लांट एंड पोलिनेटर, मतलब वो जो गया है उसको लेके, पोलन ग्रेन्स को लेके। तो वो प्लांट को तो हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है, और वो उसको लेके जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लावर्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक अब इसमें जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में था कि काउडंग जो है, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, काउडंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो छोटे छोटे कीड़ों का फायदा हो रहा है, तो प्लस जीरो। कॉमनसेलिज्म में देखा प्लस जीरो, एमेंसेलिज्म माइनस जीरो, जिसमें बड़ा प्लांट और ये तो कंपटीशन का आ गया। कंपटीशन तो कहीं भी हो सकता है, सेम स्पीशीज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होता है। ठीक है, और अलग अलग स्पीशीज भी अगर सेम फूड खा रही है, जो हमने फूड चेन में देखा था, बी एफ को खा रहा है, बी सी को भी खा रहा है। ठीक है, और सी को मान लो दो स्पीशीज खा रही है, तो कंपटीशन उन दोनों में होगा उसको खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है।
और इसमें प्रिडेशन में बड़ी फिश ने छोटे को खाया और पैरासाइट में छोटा वाला ऊपर, ठीक है। एक को हार्म हो रहा है एमेंसलिज्म, बड़ा प्लांट उसकी शेड में छोटे वाला खत्म हो गया। न्यूट्रलिज्म, इसका इन्होंने भी कोई एग्जांपल दे नहीं रखा, बाकी जहां तक मुझे तो वही ध्यान आता है नॉर्मली, जो अपन बड़ी फिश के नीचे जो छोटी घूमती होती है ना वो उसका एग्जाम्पल देते हैं। अब ये बायोजियो केमिकल साइकिल अपनी हो गई है। अब इनमें ना थोड़ा थोड़ा देख लेना, जैसे इसमें और कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ पे सारों पे रिपीट करने बैठूँ कि भाई ये जा रही है जा रही है। देखो प्रोड्यूसर से मतलब कंज्यूमर में गई, कंज्यूमर मर गया, डिकम्पोज हुई, तो वही नाइट्रोजन ऊपर नीचे हो रही है, बेसिकली बात ये है। सारी चीज़ें सेम है, ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अंदर मटेरियल सेम है, डिकम्पोज होगा जी ये होगा। ऐसे ही ये वाटर साइकिल है, सूरज है, सूरज ने इवेपोरेट किया, क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेशन यानी पानी अपना नीचे आएगा, फिर वही पानी बहके लेंटिक लोटिक अपना फिर से इसमें मिल जाएगा। तो ये वाटर साइकिल होती है। कार्बन में कार्बन चलेगा ऐसे ही, सेम चल रहा है, सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं है, सारे डायग्राम सेम है, अलग अलग तरीके से बता रखे हैं। अब इसमें वो जो फॉस्फोरस और ये वाली थी, ये यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं बस, लिथोस्फेयर सक्सेशन। देखो ये छोटे छोटे प्लांट, एनुअल प्लांट, एक साल में एक बार आते हैं, पेरिनियल, ठीक है, हमेशा रहते हैं, फिर उसमें श्रब्स बन जाती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, फिर झाड़ियाँ आपस में इंटरेक्ट करके छोटे छोटे बड़े वाले पेड़, फिर हार्डवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, मतलब साइज भी बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। और देखो नीचे ये लोग भी हैं कुछ अमाउंट, ठीक है, छोटी झाड़ियां भी मिलेंगी वहां पर वो रिप्लेस कर चुकी होगी दूसरी कम्युनिटी या स्पीशीज, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है अभी आने वाले एनवायरनमेंट के लिए। तो नंबर भी बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। प्राइमरी सक्सेशन मैंने बता दिया, सेकेंडरी ऑटोजेनिक एलोजेनिक, ये अपना हो गया, ठीक है। अब बच चुके हैं चार बस, खत्म ही करें, चलो ठीक है, चलो खत्म करते हैं, बाकी जितना ज्यादा तो पुश नहीं करूंगा मैं अभी के लिए, तो खत्म करते हैं, बट थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आज फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, टाइम नहीं है, पहली चीज तो ये समझो, ठीक है। तो मैं तो जा रहा हूँ मैंने टारगेट किया था 4 चैप्टर्स का, हैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, और 5 मिनट 10 मिनट का ले लो यार ये, क्योंकि जो थर्ड और ये वाला जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज्योग्राफी का ही है आपका, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं सारी बता दूंगा, वो आप पढ़ लेना फिर, ठीक है। तो अपन ब्रेक ले लेते हैं और फिर करेंगे यार, क्योंकि टाइम बचा है नहीं अभी, इसको तो चाहे कितना ही वो कर लोगे, सब लोग आए हैं बैठे हैं, तो 4:10, 4:20, 4:20 पे मिलेंगे, फिर देखते हैं कितनी कैपेसिटी रहती है खींचने की, उस हिसाब से खींच जाए, ठीक है। रिपीट ऑस्मोसिस, अजीत मैं ब्रेक के बाद आते हैं तब रिपीट करेंगे ऑस्मोसिस।
यहाँ सेक्स रेशियो गड़बड़ाया हुआ है, सरकार से अपील करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी, चलो ठीक है। एक तो गुलशन, अजीत, ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, नॉर्मली पहले तो एक चीज अपने को ये पता होनी चाहिए हमेशा ही कि कोई भी चीज है, जैसे मान लेते हैं ये दो चीजें हैं यहां पे, इसके 20 मॉलिक्यूल है, इसके 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कोई भी चीज जहां पे ज्यादा होती है और जिस साइड कम होती है, ज्यादा से वो हमेशा कम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 20 है ये किधर जाएंगे, इधर। नॉर्मली अभी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, जो अपना सिंपल प्रोसेस चलता है। डिफ्यूजन हमेशा क्या बोला जाता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन टर्म हमेशा यूज करी जाती है सोल्यूट की टर्म्स में, सोल्यूट मतलब जो घुलता है, सॉल्वेंट मतलब जो घोलता है, ठीक है। तो इस टर्म में डिफ्यूजन, बट जैसे ही इसके अंदर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब वो इस तरीके के छेद होते हैं, ये एक्स नहीं निकल सकता उसमें से बाहर, ठीक है। इनकी मूवमेंट के पीछे रीजन क्या होता है, किन्हीं भी चीजों की मूवमेंट के पीछे मेन रीजन क्या होता है, कि यहां की कंसेंट्रेशन और यहां की कंसेंट्रेशन बराबर कर दी। जब 10-10 मटेरियल हो जाएंगे, 10-20-15-15 हो गए मान लो, तो 15-15 हो गए, तब क्या मूवमेंट रुक जाएगी, नहीं, मूवमेंट होती रहेगी। पर जैसे एक जा रहा है इधर तो दूसरा इधर चला जाए, मूवमेंट चल रही है। बट जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप ऐड करते हो, ये क्या करता है, ये सोल्यूट को अंदर नहीं जाने देता, ये सिर्फ जो लिक्विड है उसको जाने देगा, तो वो यहां से मूव करेगा। पर लिक्विड कहां ज्यादा है, जहां पे ये कम है, तो यहां से कहां जाएगा, ये इधर। अब ये पानी आएगा आएगा, यानी ये चीज फिर बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो गई तो 20 इतने लीटर पानी में, 10 इतने लीटर पानी में, तो ये बराबर हो जाएगा। हाँ, नहीं एग तो हार्ड हो गया, लिया है ना, लिया किसका नंबर मंगवाओ है, ऊपर ही है। अभी आएगी, मंगवा लेते हैं, किस किस का पीनी है बनवा। लाइट आ गई, नहीं लाइट आ गई तो मैं सोनू को बोल देता हूँ ना, फिर 4-5 कप बना देगा, जो जो पीने का इच्छुक होगा। चलो तो ठीक है, ये कर लेते हैं। अब तो 2-2 क्लासेस चलेंगी, ये वाला प्रोसेस अपन शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में सबके लिए चाय आ जाएगी, जैसे ही अपन ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक। मेरे तो नाट देगा, तुम मेरे की मंगवाओ, मन मेरा है। मंगवा दे भाई, नहीं तो सोनू को बोल देंगे, रुक जा एक बार, एक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने समझ में आ गया, बोल ही देता हूँ, अरे मैं ही बोल दूंगा, रुक जा। तो ये अपना ऑस्मोसिस और ये हो गया। हाँ सुनो, हाथ उठा लो जल्दी से जिसको पीनी है, 1-2-3-4-5-6 कप चाय कर दे यार, ठीक है। आ गई लाइट, हाँ 6-7 कप चाय कर दे, ठीक है। सेफ साइड 7 रखियो, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ मतलब
उसमें अपन प्रेशर से उसमें साल्ट बाहर निकालते हैं, वो तो ऑस्मोसिस ही होता है, वो मेम्ब्रेन होती है, अंदर पानी आ जाता है। हर चीज में पानी में जो चीज डाल दी उसके बाहर मेम्ब्रेन है। बट वो एग वाली जो आप बात कर रहे थे, एग वो बाहर वाला सॉलिड है, पानी को नहीं जाने देता अंदर थोड़ा। हाँ वो पानी से नहीं उबलता, वो हीट से उबलता है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ बाहर वाला सरफेस गर्म होता है ना, तो वो इसलिए उबलता है। आपने देख उसके अंदर भी वैसे तो देखो थोड़े थोड़े पोर्स तो रहते ही हैं। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़े पोर्स तो रहेंगे, वो तो उसको कुछ तो बाहर से एक्सचेंज भी करना पड़ेगा ना थोड़ा तो। मैं देखूंगा इसको, मेरे को समझ में। देखो चलो अब अपन देखते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम अपने पास है। तो ये अपना बेसिकली क्या है, लैंड वाला है ठीक है, जो जमीन पे अपना चल रहा है। तो जमीन वाले पे हमेशा देखो लिमिटिंग फैक्टर्स, क्योंकि पौधे वगैरह होते हैं ना, तो दो ही सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, एक तो टेम्परेचर वहां, और जो बारिश होती है, क्योंकि यही जो चीजें हैं। टेम्परेचर किससे आएगा, सन से, सनलाइट, सनलाइट एनर्जी, एनर्जी टेम्परेचर। तो एनर्जी और फिर वाटरफॉल यानी रेनफॉल, पानी और एनर्जी मिलके ही उसको उगाएंगे। तो ये दो चीजें लिमिटिंग फैक्टर होती हैं। ये अगर ऑप्टिमल है तो अच्छी बात है, ये ऑप्टिमल है तो अच्छी बात है। रेनफॉल अगर कम हो गई जैसे डेजर्ट वाले के, तो आपकी डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, सही है ना। तो ऐसे ही एनर्जी मान लो बहुत ज्यादा सनरेज आ रही है, या फिर हम पोल्स पे चले जाएं जहां आ ही नहीं रही, तो भी आपकी स्पीशीज नहीं बन पाएंगी। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब देखो ये जैसे टुंड्रा ठीक है, आर्कटिक, अल्पाइन। अब जैसे पोल्स पे हम जाते हैं ठीक है, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक, तो ये वाला जो जैसे ऊपर वाले टुंड्रा टाइगा बोलते हैं ना, टुंड्रा वेजिटेशन ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल प्लांट्स ठीक है, मतलब कोई वजूद नहीं। तो ये क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो चाहे आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बढ़ाओ, या फिर हम माउंटेन्स में भी जाएं, तो माउंटेन में भी जो चेंज होता है वो यही होता है जो लैटिट्यूडनल होता है। यहाँ पे भी धीरे धीरे आते आते ऊपर, और ज्यादा ऊपर जाओगे तो स्नो टॉप भी हो सकता है, तो वहां पे भी कौन सी मिलेगी फिर, टुंड्रा वेजिटेशन, बट उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्पाइन ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से और रेनफॉल, यही दो फैक्टर्स रहते हैं। अब देखो ये सारा का सारा है आपका ज्योग्राफी का, कि भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कॉनिफर्स हो सकते हैं, जिनके लंबे लंबे वो कौन जैसे से आपकी पत्तियां होती हैं ठीक है। अब अपन नीचे से शुरू हो, ट्रॉपिकल, इक्वेटर के पास तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में रेन सीजनल यानी मानसून की अपनी वेरिएशन की वजह से कभी पतझड़ कभी एवरग्रीन ठीक है, फिर सारे टाइम पे ही आपके वो एवरग्रीन हो सकते हैं। डेसिडुअस जो जड़ रहे हैं यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल से ऊपर तो सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट रीजन आता है अपना 23.5 के बाद ठीक है। फिर अपने ये आते हैं कॉनिफर्स, कॉनिफर्स के ऊपर कौन सा आता है, टुंड्रा। ये इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, मेनली ज्योग्राफी का पार्ट है, जस्ट अपन बस एक ओवरव्यू लेंगे। अब इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम में यहाँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिड्यूस, ड्राई डेसिड्यूस, एक चीज ये पता होना चाहिए इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा है, मॉइस्ट डेसिड्यूस या ड्राई डेसिड्यूस, ड्राई डेसिड्यूस या मॉइस्ट, मॉइस्ट डेसिड्यूस, मॉइस्ट रेसिड्यूस। जो ये अपने एमपी और ये वाला जो रीजन रहता है ना सारा, सतपुड़ा पतपुड़ा वाले जो जंगल होते हैं और ये सब, वो सब इंडिया में सबसे ज्यादा वही पाए जाते हैं, मॉइस्ट रेसिड्यूस वाले ठीक है। ड्राई एवरग्रीन जो ये अपना कोस्टल वाला रीजन है तमिलनाडु और ये, क्योंकि यहाँ पे इधर से मानसून जाता है तब भी बारिश होती है, और जब वापस आ रहा होता है रिट्रीटिंग तब भी बारिश होती है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि डेसिड्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, पतझड़ हो जाएगी, पर यहाँ पे पतझड़ होने नहीं देता, वापिस रिट्रीटिंग टाइम पे भी अक्टूबर नवंबर में भी वो बारिश करके जाता है, तो वो पूरे ईयरली ही एवरग्रीन रहते हैं। ये अपना तमिलनाडु आंध्र कर्नाटका कोस्टल रीजन वाला जो एरिया रहता है छोटा सा, उसमें ये मिलते हैं ड्राई एवरग्रीन। ये सीधा सवाल बनता है, थॉर्न वाले अपने डेजर्ट में मिलते हैं है ना,
अब ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में फिर से वही ब्रॉड लीफ जो हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज इनमें मिलते हैं, साइलेंट वैली जो केरला में है, ठीक है, ये मेनली ज्योग्राफी का है, अपन ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इसमें और मैं क्या बताऊँ, ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब फॉरेस्ट हैं बहुत सारे, अब फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सिंपली भी हम सोचें। देखो नेचुरल हमेशा कॉजेज को ऐसे देखने हैं, नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैन मेड हो सकते हैं। पौधे लगे हुए हो सकता है, जानवर ही आके खा जाए, ठीक है, हो सकता है लैंडस्लाइड होगी, खत्म हो गए, कुछ भी कारण, या मतलब बर्फबारी होगी, एनीथिंग हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर हो जाए, वेरी गुड। आज कल तो इंसिडेंसेस बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से भी बाढ़ आ गई, तो ऐसे अपने खत्म हो सकते हैं नेचुरली भी। आर्टिफिशियल मैनमेड आके काट के चले गए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, अपन झूम कल्टिवेशन की बात करते हैं, जैसे मेनली अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में तो वो चलता ही है, ठीक है, तो वो अपना उसकी वजह से भी हो सकता है। तो और आपने इंडस्ट्रीज वहां पे लगा दी, टूरिज्म करने आप वहां पे गए, ठीक है, हम हिली एरियाज में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पर वहां के इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब कर देते हो, उसके लिए होटल्स बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, डेवलपमेंटल फ्यूल आपको वहां से लेना है, वहां से टिम्बर वगैरह कलेक्ट करते हैं ना अपन गाँव में, तो उसी को यूज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल वहां से, जैसे मान लो देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, वो रेल पटरियां भी बनाई जाती हैं उनसे, ठीक, क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे भी रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं फॉरेस्ट, उस रॉ मटेरियल को भी अपने को हटाने के लिए इनको खत्म करना पड़ता है, ग्रेजिंग ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर माइनिंग होगी, ठीक है, माइनिंग भी करोगे तो माइंड से एक तो वो निकल रहा है, अभी इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, मतलब जैसे अपने रिसेंट यहाँ पे पास में, वो माइनिंग का डायरेक्टली नहीं है बट माइनिंग का एक इम्प्लीकेशन सा हो गया, एक दो थोड़ा सा गांव जाते हैं आगे, मकडाना आता है, मकडाना से आगे नहीं जाते हैं उधर किसकी तरफ, कल्याणा तो ले ही लो, कल्याणा में तो चल ही रहा है, वहां पे भी क्या हुआ, वो मकडाना से बहू झोलर की तरफ जाते हैं ना, एक गांव आता है राइट साइड में, उन्होंने क्या किया, वो क्रेशर ला के वहां पे बना रहे हैं बस, तो आसपास के जितने भी खेत हैं अब उनमें वो छोटे 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 पार्टिकल्स आ गए, वो खेत की प्रोडक्टिविटी तो होगी खत्म। तो माइनिंग से क्या होता है, माइनिंग से यही होता है, छोटे छोटे पार्टिकल सारे आसपास के एरिया में फैल जाएंगे, वो पेड़ों को भी नुकसान करेंगे, आपकी क्रॉप्स को भी नुकसान करेंगे। हमारे घर का ही एग्जाम्पल, जो एक पेड़ था बेचारा, उसके ऊपर चारों तरफ अब मिट्टी मिट्टी जमी हुई है, रोज सोचते हैं उसको धोएंगे वो धुल ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ ये वाला थर्मल प्लांट की बात कर रहे हो, हाँ, इससे भी पोल्यूशन कितना हुआ है, डिजीज, सारी चीजें, इरिटेशन आंखों में, मैं तो सुबह बाहर निकलता हूँ, मेरे तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आंख में से ऐसे पानी टपक रहा होता है, फिर वो धीरे धीरे अब एकदम से वो होता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया का ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट जैसे राजस्थान में कौन सा टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलता है, स्टेपीज, स्वाना स्टेपीज, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में होते हैं ना, सब ट्रॉपिकल में स्टेपीज, तो ये वाला अपने यहाँ पे मिलता है। और अगर इधर की तरफ जाओगे सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में, तो वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का पार्ट हो जाता है स्वान, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये तीन चार टाइप्स किसी काम के नहीं है, ये वाला पोर्शन छोड़ ही देना, उसमें से याद नहीं रखने, ये चार टाइप दे रखे हैं, ये अलग अलग नाम होते हैं, ये नहीं इंपॉर्टेंट, क्या है ये ग्रासलैंड एंड फोडर इंस्टीट्यूट, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो ग्रासलैंड फोडर इंस्टीट्यूट आपका झांसी में, और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन मतलब सूखा जोन, ठीक है, सूखा हिस्सा, सेंट्रल केंद्रीय, केंद्रीय सूखा जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका है जोधपुर में, तो ये दोनों ध्यान रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, झांसी एंड जोधपुर, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल एरिड जोन ये मिल जाएगा वहां पे, बुक में लिखा हुआ है,
अब देखो रोल ऑफ फायर इन द ग्रासलैंड, अब मान लेते हैं ये ग्रास है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन हुई नीचे तो मान लो फॉरेस्ट फायर लगेगी, तो फॉरेस्ट फायर इनको तो जला देगी, बट अगर नीचे मॉइस्ट कंडीशन है तो कहीं ना कहीं आपकी घास बची रहेगी, बट अगर ड्राई कंडीशन है नीचे तो घास पे जल्दी आग लगेगी और इनमें से जो बड़ी स्पीशीज हैं वो बची रहेंगी, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो पुराने वाली स्पीशीज होती हैं वो तो खत्म हो जाती हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके वो आके किस में मिल जाएंगे, सॉयल में, अब वही न्यूट्रिएंट दोबारा से यूज किए जाएंगे रीग्रोथ के लिए। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की भी हम बात करते हैं, उनको काटा, आग लगाई और फिर वहां पे खेती करते हैं, तो वो खेती अच्छी होती है शुरू में तो, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट बहुत हैवी होते हैं उसमें, पर बाद में धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे पेड़ों को काटते हैं, उनको आग लगा देते हैं, वो फिर से इतने टाइम में क्या होता है कि जिस हिस्से को आपने छोड़ा है वो हिस्सा दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, वहां पे फिर से पेड़ आ जाएंगे, ठीक है, जिसका मन करे उसको दे दे। जिसको लेनी है ले लो। अभिषेक तो नहीं देगा, बचा तो मैं लूंगा। घनी बचेगी तो देखेंगे, ले लो। अरे पी लो, क्या हो गया, मैंने इतने ज्यादा मंगवाई यार, जो चाय पीता है पी लो, तुम लोग चाय नहीं पीते दीक्षा, अबे दे के जाए यार। नहीं, सब पीते हैं चाय। सुनो सुमन, इतना टाइम में दो चीज और पढ़ा देता। अब हम देखते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट अपना क्या हो गया, मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान वाले देखो दो टाइप के कॉमनली डेजर्ट बोले जाते हैं, एक तो आपका हॉट या कोल्ड। हॉट वाले कहाँ होते हैं, जहां पे जैसे सूखी हवा चल चल के, वो वाला जो जैसे थार है, ठीक है, सहारा। कोल्ड वाले होते हैं जो एल्टीट्यूड की वजह से, जैसे लद्दाख, ठीक है, कंडीशन दोनों में ही लगभग सेम रहेंगी, रेनफॉल वेरी लेस, 20-25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, रेनफॉल नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है, वहां पे स्नो रहती है तो रेनफॉल भी नहीं होता, इस वजह से। फिर डेजर्ट में पौधे भी वैसे ही होंगे और एनिमल्स भी वैसे ही होंगे, मान लो ये प्लांट है तो उनमें क्या रहता है कि जैसे ये इसकी रूट्स हैं, डेजर्ट में पानी ढूंढने के लिए रूट्स को नीचे तक जाना पड़ेगा, तो डीप रूट्स हो जाती है। इसमें इवेपोरेशन यानी पानी जो हमारा निकलता है मतलब उसके इवेपोरेशन के थ्रू भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है, तो जो स्टेम्स होती हैं कई बार तो एक तो इन्हीं में ही पानी स्टोर कर लेते हैं स्टेम्स में, तो शैगी मोटी मोटी स्टेम्स हो जाती हैं, ग्रीन कलर इसमें ही लगा देते हैं, पत्ती बिल्कुल खत्म या छोटी, थ्रोन जैसे कैक्टस जैसे हो जाता है ना, फोटोसिंथेसिस उसी में हो रहा है स्टेम में ही, या फिर अगर आपके पास पत्ती भी है तो उसके ऊपर थिक क्यूटिकल मतलब परत सी, वैक्सी परत, मोम जैसी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो पानी को उड़ने नहीं देगी, तो ये सारे के सारे एडेप्टेशन पेड़ों इनमें मिल जाती है। जो जानवर होते हैं उनके पैर बड़े बड़े होते हैं, ऊंट के पैर बड़े भी होते हैं ताकि जमीन पे जो गर्मी है वो उस तक ना पहुंचे, ऐसे ही पक्षियों के भी बड़े बड़े पैर होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं। फिर उनमें वाटर कंजर्वेशन के लिए भी, जैसे अपने ऊंट है, ऊंट में हम्प भी है, सिंगल हम्प डबल हम्प, में पानी स्टोर रहता है, पिया चल दिए, ठीक है, फैट फैट से फैट का वो रहता है ना, और ये जो जानवर होते हैं वो बहुत तेज भी भागते हैं, ठीक है, ताकि थोड़े टाइम पे ही उनका जो पैर है वो कांटेक्ट में आए, ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा जमीन के तो गर्मी लगेगी ना, कभी नंगे पैर गर्म उसमें भागे, तेज 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 भागेगा आदमी अपने आप ही, ठीक है,
देर रखोगे तो फिर बढ़ जाए सब, तो धीरे धीरे चलता है। तो ये हो गया, तो जैसे लेस देन 25, अनइवन रेनफॉल, कहीं हो रही है कहीं कम हो रही है। रेन शेडो क्या होता है, जैसे मान लो ये है, यहां से हवाएं चल रही हैं, बादल आ रहे हैं, बादल यहां तो आके बरस जाएंगे, बट बरस जाए बादल वहां नहीं बरसा, ठीक है। तो ये हो गया रेन शेडो, रेन यहां तक आई आगे नहीं आ पाई, तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये रेन शेडो, यहां पे वेजिटेशन भी कम होगी, यहां पे डेंस वेजिटेशन। वेस्टर्न घाट्स में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट साइड में बहुत अच्छी डेंस वेजिटेशन होती है, जबकि उसके जो ईस्टर्न पार्ट रहता है उनमें कम रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्लांट्स में कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हो सकती हैं, एनिमल्स में लॉन्ग लेग फास्ट रनिंग। अब इसमें ये होते हैं एफीमरल्स पेरिनियल्स, ठीक है। जीरो जीरो फाइटिक, जीरो फिलस कंडीशन एडेप्टेशन। जीरो मतलब होता है डेजर्ट या पानी की जो बिल्कुल कमी होती है उसी में, तो इनको जीरो फिलस एडेप्टेशन बोलते हैं। पेरिनियल तो क्या होगा, जो पूरे साल भर रहता है, ठीक है। एफीमेरल होता है जो बारिश बारिश होती है तब आया, बाद में खत्म हो गए, छोटे छोटे सीड रहे, दोबारा से बारिश आएगी तब वो फिर से आएगा। पेरिनियल पूरे साल रहेगा, उसी पेरिनियल में ये अडेप्टेशंस होती हैं जो इसको साल भर जीवित रखने के लिए काम में आती हैं, ठीक है। कोल्ड में अपना क्या है, लद्दाख, ले, कारगिल, स्पीति वैली, लेस देन 40, ये ध्यान रखना है, स्नो हो जाती है। फिर यहाँ पे एक अपना रहता है इंडियन वाइल्डनेस, कियांग बोलते हैं इसको। वैसे इंडियन वाइल्डनेस अपना गुजरात वाले रीजन में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो कियांग एक होता है, वो भी गधे जैसे ही होता है, हिमालयन रीजन, वो खच्चर टाइप, उधर के खच्चर थोड़े से देखने में अच्छे है, बेटर बेटर लुकिंग, ठीक है। कियांग ध्यान रख, कियांग हिमाचल वाले रीजन में ये सारे के सारे। वैसे हाँ, हिमाचल, हिमाचल जेएन के इस हिस्से में देखो, इसमें से जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हमारे काम की हैं वो हम करंट में करेंगे, ये जो बीच में आ रही हैं एक दो में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्योंकि इनके IUCN स्टेटस भी चेंज होते हैं, और जो न्यूज़ में रहती है किस वजह से न्यूज़ में, वो भी बदलता रहता है, ठीक है। तो वो एनवायरमेंट में मेन हिस्सा उसी का ही रहता है कि भाई ये स्पीशीज थी, ये चेंज हुआ इस वजह से, तो वो वहाँ पे अपने ज़्यादातर करंट में कवर होंगे। अब डेजर्टिफिकेशन के कॉजेज तो अपने को पता ही है, पॉपुलेशन बढ़ गई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब अपन ने देख ली। डिफोरेस्टेशन जैसा ही डेजर्टिफिकेशन हो गया। इंडिया में कितना हो रहा है, देखो इंडिया में ड्राई लैंड है लगभग 70%, ठीक है, सूखा, उसमें से भी 30% के आसपास डिग्रेडेड है, इसरो ने बताया है। तो जैसे इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स की हम बात करें, ठीक है, पानी ही नहीं है या फिर बिल्कुल डिग्रेडेड, जहां तो कुछ भी नहीं उग सकता। 70-30 याद रखना है, ये 30 इस 70 का है, ठीक है, इस 70 में से 30% डिग्रेडेड, 70 में से 30% यानी कितने प्रतिशत, 21%। अब हम देखें कुछ कन्वेंशन हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, कॉम्बैट मतलब फाइट करना, डेजर्टिफिकेशन भाई रेगिस्तान जो अपना बन रहा है उसके हिसाब से। इसमें और जैसे नेशनल एक्शन प्लान 2001 का, ये इनकी डिटेल्स में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन और वो रहेंगी ये है आई, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान, GIM, ये IA1 लिखा गया, ग्रीन इंडिया मिशन, ये बुक में यही लिखे हुए हैं, ठीक है। जो डिटेल वाले हैं वो अपन देख लेंगे। मनरेगा है, उससे भी कैसे लोगों से पेड़ लगवाए गए, पॉन्ड्स बनवाए गए, जिससे डेजर्टिफिकेशन में फाइट करने में हेल्प मिली, ठीक है, और बाकी तो छोड़ो। एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, उल्टा, जब आपने फॉरेस्ट लगाने शुरू कर दिए उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मान लो यहाँ पे पेड़ लगा दिए बहुत सारे, अब ये नीचे वाली सोयल को तो पकड़ के रखेंगे, सोयल इरोजन नहीं होने देंगे, ऊपर ऑक्सीजन देंगे,
एयर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल में आएगा, CO2 ज्यादा है तो वो कंट्रोल में आ रही है। अगर हवा आ रही है यहाँ से, ठीक है, उसकी वजह से जो सॉयल इरोजन हो रहा है उसको भी रोकेंगे, वाटर की वजह से जो हो रहा है उसको भी रोकेंगे, ठीक है, और यहाँ हैबिटेट भी प्रोवाइड कराएंगे अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। और हमारे तो काम के ही तो ये हर चीज को एक रिवर्स सा करने लग गए, पानी को लेके ट्रांसपिरेशन कराएंगे, बादल बनवाएंगे, फिर ये रेनफॉल होगा, रेनफॉल फिर एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, एक इकोसिस्टम अच्छा डेवलप होता है पेड़ों की वजह से। अच्छा ये बताओ, हु इज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? है सुंदरलाल बहुगुणा? कौन से सुंदरलाल बहुगुणा कौन से मोमेंट से रिलेटेड है? चिपको आंदोलन। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन से स्टेट के हैं? सर फिनिश करें प्लीज। देखो अजीत, फिनिश तो कर देंगे अभी इस चैप्टर के बाद, तो मैं आज तो फिनिश कर दूंगा, ठीक है, बट ये क्लासेस दो क्लासेस होने वाली हैं नेक्स्ट वीक से। टाइम हाँ टाइम पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे इश्यूज हैं, मुझे भी आदमी है। देखो थोड़ा थोड़ा सबको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, अब मतलब पेपर आने से पहले, अब 10 मई से पहले तो सिलेबस खत्म करना ही है। हाँ अब वो वैसे भी रिवीजन जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें अपन ल्यूसेंट खत्म करेंगे तो, और वो अपन ऐसे ही करेंगे जैसे पॉलिटी अपन ने कर ली तो पॉलिटी की लूसेंट, अब जैसे एनवायरनमेंट कर लेंगे एनवायरनमेंट की लूसेंट, तो एक रिवीजन सा होता रहेगा, ठीक है, ताकि कुछ बचे नहीं। अगर मैं नई चीज वहां पे एंशियंट मिडिवल शुरू कर दूं आपको समझ में ही नहीं आएगा, यहाँ पे जब खत्म हो जाएगी तब हम उस टॉपिक को ले लेंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन ही रहेगा, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा 8 बजे वाला सूट नहीं कर रहा? हाँ उसको अर्ली कर सकते हैं, अर्ली कर सकते, जैसे न्यू प्रीवियस ईयर पेपर वाला तो अपन 6 ही रखेंगे, 6 के आसपास, और जो दूसरा है यूपीएससी वाला वो मैं देखूंगा, उस दिन मेरे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, मैं आराम से 6:30 बजे तक उठता हूँ, फिर पढ़ लेता हूँ, फिर 8:30 तक घिसता पिसता उसको ले लेते हैं, नहीं तो डेली उठना पड़ेगा 5 बजे, और रात में सोते सोते 11-12 बज जाते हैं। मैं तो मेरा आई एम ऑल डिजिटल, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस कैरिंग पेपर हैविंग पेन स्टफ। ये भी देखो मैं पहले बिल्कुल वो होता था ऑपोजिट इसका, मतलब मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी, अब मेरे पास सिर्फ कहने के लिए एक लैपटॉप है और मैं बुक्स के हाथ नहीं लगाता, बस सिर्फ लैपटॉप से ही पढ़ाई होती है, लैपटॉप से ही देखते हैं, वही नोट्स मिलते हैं। जावेद पेयांग, यस एस जाखड़, बिल्कुल सही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था नाम, जावेद पेयांग, बिल्कुल सही। अजीत फर्स्ट लेक्चर है ना इसलिए, चलो ठीक है फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पुश नहीं करेंगे, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, वो जो क्लास 2 से 7 होगी वो 2 से 7 ही होगी, मतलब नेक्स्ट वीक से, ठीक है, उसमें बीच में ब्रेक जो अपने को लेना है आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे या फिर जो भी है, हैं? क्या हुआ, आप यहां बैठना चाहते हो तो यहां बैठो, यहां से जाके घर पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो घर पे कंटिन्यू, वो सबके लिए फुल फ्रीडम है। नहीं, अभी तो इस वीक तो एक एक ही चलेगा, मैं नेक्स्ट वीक से बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अपना इतना ही आएगा ज्यादा कुछ आएगा नहीं, यूपीएससी के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो करंट में अपने को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, करंट में अपन बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे, वहां पे अपने पास टाइम है, हम थोड़ा मैन्यूवर कर सकते हैं वहां पे टाइम, क्योंकि वो क्लासेस ही सारी ऑनलाइन चलेंगी मोस्टली, तो ठीक है टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है कोई नहीं अजीत, करते हैं इसको,
डोंट वरी। अब देखो हाँ एक सवाल और, हाँ वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये तो बता दो, इतने ज्यादा में है ऑप्शन ए बी सी डी। राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, बताओ। राजेंद्र। ठीक है, ये राजस्थान के थे, राजेंद्र सिंह। ठीक है चलो, इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ये चैप्टर वैसे भी किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है? कोई नहीं, अपन धीरे धीरे पुश करेंगे। आज हम 4:50 तक बैठे हैं, कल 5:10-20 तक तो बैठेंगे ही, ठीक है? और हिंदी का थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की मैं भी कोशिश करता हूँ मैम, ठीक है? आप भी थोड़ा सा देख। हैं जी, नहीं जो अपन पढ़ रहे हैं ना, बस उतने पे ही फोकस करना। बुक में जब देख रहे हो तो जो जो अपन पढ़ रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बाकी और कुछ इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्री में इतना ही आएगा, ठीक है? बाकी मेंस के हिसाब से जनरल चीजें होती हैं। चलो ठीक है, नहीं यहाँ पे इतना नहीं आता। अच्छा ऑप्शनल नहीं, एनवायरमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर है। और कोई पर्टिकुलर समस्या है आपको? कितना समझ में आया, मतलब सही सही बताओ। ठीक है, अपने को इन वर्ड्स की हिंदी चाहिए ना? ठीक, मैं आपको एक काम करेंगे अपन, ये जो पीडीएफ है, ठीक है, दोनों पीडीएफ, शंकर वाली भी और अपने नोट्स वाले भी, मैं आज ग्रुप में डालता हूँ, दोनों तीनों ग्रुप्स में, जो फाउंडेशन वाला भी है, एचसीएस वाला भी है, उनमें डाल देते हैं। आप उनको डाउनलोड करो, ठीक है? जैसे मैं आपको ऑलरेडी टारगेटेड, जैसे अपन ने अभी 3 चैप्टर कर लिए, कल 4, 5, 6, 7 तक अपन रखेंगे, ठीक है? तो उनके जो जो बस कीवर्ड्स पे ही आप जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ना, आप उनको भी ढूंढ लेना, ठीक है? मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा, बट आप थोड़ा सा टाइम निकालना, ठीक है? हाँ तो चलो, ये जो अपन शेयर करेंगे ना, अपन ऐसा कर लेते हैं कि डिवाइड ही कर लेते हैं फिर। चैप्टर 4 और 5 की मैम आपकी थोड़ी सी ठीक है हिंदी, तो आप उनके जो भी 5, 10, 15, 20 वर्ड्स बनते हैं, चैप्टर 4 और 5 के आप देख लेना, 6 और 7 के आप देख लेना। अभी कल के हिसाब से इतना कर लेते हैं, वो आते ही वो लिस्ट मेरे को प्रोवाइड करा देना, बस मैं यहाँ पे रख लूंगा, ताकि फिर हम आज ही डाल दूंगा, ठीक है? आपको एचसीएस बैच में मिल जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है? वहां पर। और जैसे जो अपने यूपीएससी वाले हैं, थोड़ा सा ये रहता है ना कि कई चीजें वहां अपडेट हो जाती हैं, अब मैक्सिमम लोग सारे तो वहीं एडिड है, ठीक है? तो वहां पे भी कोई भी चीज आती है तो उसको भी यही मानते हुए चलना कि ये हमारे लिए भी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल 2 बजे। बाय बाय। आज नाइट में एनसीईआरटी के जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं पॉलिटी के, वो खत्म करेंगे, ठीक है? टीआईटी सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। चलो बाय बाय।